जागुडरोचिसं विद्धतं पटं वरिष्ठश्रिया वृंदारण्यबिलसिनं हृदिलसद्दामा विरामदरं राधास्कन्दनिवेशितजलभुजं ध्याये मदाहमदरं तमादिदेवं कर्णनिधानं तमालवर्णं श्वेतमतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं यं प्रवजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभविनेद तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतस्मि जस्वानुभावमखिलस्तुतिसारमेक अध्यात्ममतितिशतं तमन्दं संसारिणं कर्णाः पुराणगुह्यं तं व्याससनुमुपयामि गुरुं मुनिना भक्ता विहीना अपराधलक्ष्मे क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयितं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः भागीशस्य वदने लक्ष्मीजस्य वक्षसि जस्यस्ते हृदये संवित् तंसि नृसिंहं नमः नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मदिरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वदे मध्य गुरुपाद पद्म भगवत समंत प्रदाता अभिन्न भगवत विग्रह नित्यल्ला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतशील भक्ति वैभव प्रिय गोस्वामी महाराज का चरण कमल श्रेष्ठांदोलन प्रणिपात करता हेतुक प्रार्थना करी जगद्गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रतुल सुवचन श्रेष्ठांदोलन प्रणिपात करता हेतुक प्रार्थना करी मध्य शिक्षा गुरु परमारत्न शील भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज को श्रेष्ठांदोलन प्रणिपात हेतुक प्रार्थना करी समस्त आचार्य वर्ज्य गुरुवर्ग गुरु परंपरा गौड़ी सरस्वत वृंद शिक्षा गुरुवृंद समस्त चरण कमल श्रेष्ठ प्रणिपात अहित कृपा प्रार्थना करी संपस्त वैष्णववृंद वैष्णववृंद सतीर्थवृंद मातृमंडली भगवत कथा रसप्रिय सिद्ध भक्तजनवृंद समस्त चरण कुल वांछित अथमर षष्ठम प्रणिपा समस्त अहित कृपा प्रार्थना करी श्री राधे ठाकुर जी का आम आस्वादन करी प्रकार उतना मुख्य तृणावर्त शक्त भंजन सब लीला आदि भगवान का कथा तो अगाध समुद्र कह जाए सीमित समय मध्य भगवत कथा को अनंत तो किसी तो अंत ना तेणु संपूर्ण करवाटा करिवार दुस्साहसत करिवाटा हम मो पक्षे ठीक नुहे जा आज शेष दिन जिद्र गला धीरे धीरे ठाकुर जी बड़ होती चाली शिखिले माँ तांकर पूरा वेशभूषा कर दिंती पूरा श्रृंगार कर दिंती बढ़िया बढ़िया आभूषण कंकण मुदी नुपुर करधानी मेखला सब किछ परिधान करती दी जन को राम श्याम दी जन
दी भाई दी सांग भाया पूरा उत्पटांग कले पूरा नंद बाबा प्रांगण भितर दीर्घ दिन धरी घर कौन संतान नथिले जेते बेले ठाकुर जी प्रकट हेले आ बलदाव जी जे कि बाललीला को नामकरण हो नहीं जाए जावत से दीज पूरा उदंग मत पूरा जिते प्रकार नटखटी कम को सब कर मानते जशोदामा आ रोहिणी माता पूरा नाकेदम हो सब कम बंद ये दीज को नजर रखिंट खाली जो सी धीरे धीरे टे हमागुड़ी शिखिगले उठी पारे निज गुंठन उठी पारे धीरे धीरे टिके चली शिखिले से समय दीज कौन करती सी तो गोपाल नंद बाबा बाछरी मान अच्छा शोथिया बाछरी जगह पाखक जी पुछटा को धरवे नांगटा को ये गोटे डांग पुछ धरे सी गोटे पुछ धरे धरिक रही था खींचे से बाछुर उठ सी बाछुरी बाछुरी से देख उठ दौड़ ये ठाकुर जी कौन कर धरी थे पूरा ओली थे ओल गोड़ घुसुड़ थे बाछुरी कौन जीवन से प्रांगण भर बुल ट्रेंड कराई ए दीज पूरा से बाछरी पोषरी घूरु थे जशोदा माँ रोहिणी माता हाय 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 कर दौड़ी आस ब्रजवासी गोपी मानु डेरा पकड़े समस्ते आसती लीला दर्शन करने बेले बेले कौन करती बड़ बड़ सिंग वाला सिंग जो थी विशेषकर बलध ये सब से रही जे मुख पटर चढ़ सिंग दीटा धरवे जमी हाथी महंत मान हाथी उपर चढ़ती शुंड पाद दे कि यही प्रकार तो से बलद उपर चढ़ सिंह धरिक दात थिया पशु जाने स्वान आदि जिते सब से मानो पाखु जीवे मुँह हाथ प्रवेश करेंगे जो चुल्ली निया लगी पूरा हमुड़ी हमुड़ी जी दौड़ दौड़ जीवे जमी पक्षी जो प्रकार पतंग जो प्रकार अग्नि को जाए से प्रकार जिते सब गोपी मैंने तो अपेक्षा करते दौड़ी दौड़ी आस रक्षा कर जशोदा माँ रोहिणी माता भी जो कंटा थी पाड़ थी कंटा बाड़ को जीवे प्रांगण भितर कूँ थी कूप पाख जीवे बड़ कष्ट उठे से कूपटी चंदन थी चबुतरा भाया से देखिए तौक देखिए कूँटा मानने बाल बाल बचे अटकई चाहिए जशोदा माँ रोहिणी माता आसिक जिते प्रकार दुष्टामी आम जगतर छुआ मैंने कौन कर ठाकुर जी जी नटखटी करें पूरा उत्पटांग आजिकल माँ मैंने ये धैर्य ना छुआ मान सब अली जशोदा माँ जो प्रकार अली सहे कर कृष्णकर बर्तमान जगत से प्रकार माँ विरल सत कथा निद हजे दीचर कि आनंद थी भक्त भगवान लीला तो जी जश प्रदान करते ठाकुर जी के सेवार भगवान भक्त वत्सलता भक्त वत्स्यता जशोदा जो अकुंठित तो प्रेम थिला से प्रेम पाखे वशीभूत ही होती एथ में यही जश से प्रदान कले ना जशोदा बात्सल्यमयी करुणामयी मूर्तिमंत प्रकाश सी पूरा बाल गोपाल लीला अद्भुत लीला से कर सब धीरे धीरे बड़ ही समय वसुदेव कौन कले गर्गाचार्य जी कि जादव मान पुरोहित पठेले कहीं कृष्ण भी पु ये भी पु बलदेव भी गर्गाचार्य हूँ जड़े महान तपस्वी थे ज्योतिष विद्यार पारदर्शी थे बड़ विद्वान से गर्ग पुरोहित राजन जदुनांश महातपा सुखदेव जी कहते हे राजन गर्ग महाराज पुरोहित जादव वंश पुरोहित ये महान तपस्वी भी थे तेणु नंद ब्रज से जगाम नंदंकर ब्रज को गले वसुदेव प्रचोदित वसुदेव जो कही वसुदेव अनुरोध को रक्षा कर गर्गाचार्य आ नंदंकर लाला को नामकरण करने बड़ विद्वान थिले पंडित थिले ब्रह्मण्य वर्ग थिले विप्रदेव
जितने से आश्चर्य नंद बाबा दूर देखी स्वागत कले पूरा शस्ता दंडवत कर चरण प्रक्षाण कर स्वागत कर दिव्य आसन बसई आरती उतार पूजा कर महात्मा आपण मान सदृश सत् साधु पुरुष मान मदृश गृही मान घरे पदार्पण करती आमको कल्याण करने ये संसार भितर मुत ग्रसित हो जंजाल भितर तेणु सद्गतिर रास्ता प्रदर्शन करने आपण मैंने कृपावशत ये पदार्पण कर किसी कम ना मुझे आपण मान सदृश महात्मा आम गुरी मान पाखे कौन सी कम ना केवल आम मान कल्याण करने आप आसती महत्व स्वभाव दारिते पामर निज कार्य नाई जान तबु पर घर महत्व स्वभाव हूँ त्राण करने आसती उद्देश्य किसी ना नंदजी कहते भगवान ठाकुर जी बापा सी तथा वर्णना कर बोधे से कृपावशत आपतु मोर गोटे अनुरोध आपत बड़ विद्वान आसी ज्योतिष शास्त्री पारदर्शिता आपणकर आपण सदृश सत् पंडित विद्वान किए मिले ब्राह्मण्य संस्कृत विशेषकर विप्रदेव महात्मा आप ब्राह्मण आपण जदुमान जादव मान पुरोहित आपण तेणु मो लाला दीजन को नामकरण कर दिखता गर्गाचार्य तो चाहते तो सैया करने कि कौन देख नंद नंदजी दुनिया जाणी मु जादव मान पुरोहित जदि तुमरी संतान मान को नामकरण करी जदि कथाटा जब प्रकट हो गला कंस जदि शुणीम कंस बर्तमान देखी वसुदेवंर कन्या को सी तो मारी पारानी शेष दुहिता को किंतु अष्टम गर्भर संतान कौटी जन्म हो सारी यहीपाई से अनुसंधान करुच्ची चतुर्दिगरे वसुदेव सहित तुम भल प्रीति रही तुम दी जदि एक कंस जाने मुसिक ये नामकरण करुच्चे निश्चित रूप तार कथा सत्य हो कि मिछ हो सन्देह तो निश्चय आसो से भाव से सी आसी तो क्षति करपे ये लाला मानकर तेणु कथ जी प्रकट ना दरकार कौन कर एकांत स्थान नामकरण करा जमी के जानवे नहीं नंदजी कहले कि चिंता करते एपरिक मोर सगी संबंधी स्वजन कहीं जानवे नहीं सबुठ पवित्र स्थान एकांत स्थान हूँ गोशाला ये गोशाला आप नामकरण कर ठाकुर जी कि प्रकार गोमाता प्रति स्वाभाविक प्रीति देखत नामकरण ही गो गोशाला है गोमाता प्रति केमती आसक्ति कि प्रकार प्रीति आजिकल नामकरण कले के कौन डीजे फिजे लगोच्च कौन करा कौन पूरा मान पूरा फाइव स्टार इयर रखे ठाकुर जी कहले क्या गोटे का जाए पूरा एकांत भाव कर गोशाला तो से गोमाता ने सूर्योदय पर चली जाती गोचारण करने पूरा परिष्कार कराए 13 लाख गाईर मालिक जे से कत गोशाला पूरा परिष्कार कर पूरा पवित्र से ताठ पवित्र स्थान कौन यज्ञ वेदी कले गोमयर लिपन करुचे से नंदजी जा कही जशोदा रोहिणी की शुण आज बहुत बड़ विद्वान मथुरार पंडित महाशय महान तपस्वी सी आसी कृपा करी आम लाला नामकरण करी से जशोदा और रोहिणी मुह चाहा चाहे नंदजी कही दी पड़े तुम जल्दी प्रस्तुत होस लाला नहीं आस गोशाला को जी का कहनी खबरदार एम परस्पर कथबार्ता हेले अरे ये कि पंडित क्या डाकिले सी जाणी कि नहीं आम जानवा कमी नंद बाबा तो बड़ भोले भाले से तो समस्त की सम्मान करती किंतु आमे माँ हिसाब से आमर भी किसी कर्तव्य अच्छे ना तेना तो प्रथम परीक्षा करिया प्रकृत से पंडित ना मूर्ख जाणी ना ज्योतिष जाना दरकार ना परीक्षा न करके नामकरण करदे एम बुद्धिटा लगे रोहिणी के सतान को जशोदा धरले जशोदा सतान को रोहिणी माता धरले तापर चलने कौटी गोशाला अभिमुखे गले से बस पूरा यज्ञ सबकि रही
उपचार भी व्यवस्था करिया पाई सब नामकरण जो विधि विधान पाई सब रखिछ सब व्यवस्था सामग्री सब रही महाराज बस तेजदीप्त शरीर पूरा शरीर देखी अगर लो भय कह बाबा तो तगड़ा अच्छा निश्चित कि ब्रह्म तेज रही तापर प्रणाम कले बसिले दिजन सामने बस गर्गाचार्य देखुं खाली देखुं इन कहे बाबा कुछ तो बोलिए सी जो जशोदा माँ कूल जी थे देखी कहे अयंग ही रोहिणी पुत्र ये हूँ रोहिणी पुत्र जशोदा धरते रोहिणी पुत्र को से कहले ये जो तुम जो धरीच ना ये रोहिणी पुत्र से जशोदा आखि ठाले रोहिणी की कहले बाबा पक्का छिलो मा जानी आम तो कि नंदबाबू जानी ना आम सब आम सतान उल्टा पल्टा कर दीजे कि ये जाणी देखते त्रिकालदशी हेल्ले निश्चय सदा आसीगला एथिपाई पूरा ज्योतिषकार मैंने आम जब हाथ देखिए कुष्टि देखिए अतीत कथा टी कहते अतीत कथा भूत कथा कहीदे आम विश्वास आसीज पर भविष्य बुले मारत मिची मारत चल अतीत कथा दी चार्टा कहीदे सत हो अरे बढ़िया जानते तापर भविष्य पूरा शतकड़ा सत प्रशत मिछ कह पल चली जा विश्वास प्रथम दरकार तेणु विश्वास आसीगला अयं हिरोहिणी पुत्र रमन श्रुद गणे आख्यस्यते राम इति बलाधिकं बलं विदु कहले ये हूँ रोहिणी पुत्र आंकर ना है रोहिणेय श्रुद मान को आनंद प्रदान करे रमन श्रुद गणे जिते सौद बंधु बांधव सांग सन्ती स्वजन परिजन को सब आनंद प्रदान करे ये ना है राम आख्यसित राम इति ना है राम बलाधिक बलंग विदु अनेक बल अच्छे ये ना है बलदेव बलराम जिते जदुवंश जादव वंश विशेषकर नंदबाबू कहले तुमरी तुम वंश भितर जो मेल किसी अमेल हो कौन कर उभय वंश को एकत्रित करती आकर्षण करते उभय ये ना है संकर्षण इस प्रकार संकर्षण बलराम रोहिणी रोहिणेय राम इस प्रकार ना दे नाट सरलापुर जिते नजर पड़ा रोहिणी कूल सरकार देखापी पूरा तो नीलमणि अद्भुत कमन स्वरूप जहाँ रूप को देखी मदन मध्य मोहित हो जाता कोटि कंदर्प को पराजित कर रूप धारण कर ठाकुर जी से असमर्ध त्रिभुवन कमन्य बाल गोपाल झांपकी दर्शन करते गर्गाचार्य तो इष्ट ना गर्गाचार्य इष्ट सी जितने दर्शन कर चरण तर मुखकमल संपूर्ण कलेवर रोहिणी कूल अच्छा दर्शन किए पूरा ध्यानस्थ हो गले ध्यान डूबीगले पूरा निर मन प्राण इंद्रिय बुद्धि संपूर्ण संसार निवृत्त कर ठाकुर जी चरण पूरा नेछावर कले समाधिस्थ हो पूरा ध्यानस्थ हो बहुत समय बीतीगला रोहिणी चाहूँ जशोदा को जशोदा चाहते रोहिणी की तापर करे कौन पार्टी कले अरे बाबा बाबा कह खय अरे बाबा कड़े चित्कार कले उठ पड़े बाबा टी ध्यानस्थ भांगे आखि छल छल पूरा इन्हें बुझी पार नहीं कहीं कहते कहीं से इष्ट को देखुं ना से आसते ये आठिक निज ठाकुर जी को दर्शन करने सौभाग्यवस्था तक नामकरण करने सुजोग भी मिली कहले ये जो लाला ना ये अद्भुत माँ आर पूर्व बहुत जन्म हो अनेक जन्म होती पूर्व आसन बन्नस्त्र गृणमत अनुजगन शुक्ल रक्त तथा पीत ईदानी कृष्टतांगता कहले हे माते ये पूर्वर बहुत जन्म भी होती आसन बन्नस्त्र अश्य तीन बन्ना करा
శుక్ల రక్త పీత ఇదని కుష్ఠదంగత శుక్లవర్ణ రక్తవర్ణవి ఆ పీతవర్ణ వేచంది వర్తమాన కృష్ణవర్ణ పీత శబ్దరే పీత శబ్దరే అమరి గౌడీయ ఆచార్యమనే ప్రాయాచార్యమనే పీత శబ్ద పీతవర్ణ కలి కలిపావన శ్రీమన్ చైతన్య మహాప్రభు కాజాయచి తెలు 5000 వర్ష పూర్వే ना 5000 वर्ष नहीं ये तो भागवत सनातन संहिता ये सरस्वती सनातन संहिता तेणु ये भागवत रचन कराई पीत शब्द यू बुझा जा चैतन्य महाप्रभु जी की पीत वर्ण भगवान जिते कलेवर अच्छी जिते अवतार अच्छी जिते अवतार ऊपर एकमात्र पीत वर्ण की श्रीमन महाप्रभु आकार ना आकार को कौन से अवतार ना मनंतर तापर पूर्व षष्ठ मनंतर एम विभिन्न प्रकार मनंतर सब रही तेना महाप्रभु आब सब ईर आई भाव वर्णना कला हे माते ये होंगे शुक्लवर्ण रक्तवर्ण पीतवर्ण इदानी बर्तमान कृष्णतांगत बर्तमान कृष्णवर्ण ये बहुनी नामानि रूपाणि बहुत नाम अच्छी बहुनी संति रूपाणि नामानि अनेक रूप अनेक नाम अच्छी तम सूत्र ये पुत्र कि प्रकार गुण कर्म अनुरूपाणी आंकर गुण कर्म अनुसार रूप अनुसार विभिन्न प्रकार नामकरण करा जाए बहुनी संति नामानि बहुनी संति रूपाणी गर्गाचार्य से कहते मुझे सब नाम को मुझे जाणी कि जानती ये प्रकार गोटे असाधारण शिशु आर कर्म अनुसार नामकरण करा जाए जमी अच्युत जे च्युत हमें गिरिधारी जे गिरी की उत्तोलन कले गोवर्धन धारी जाऊ कहगला गोविंद जे कि गोपी इंद्रिय गोमात को आनंद दिंती मुकुंद जहाँ मुखारविंद मुकुंद पुष्प परी बाजे मुक्ति ददाती मुक्ति भी जी दिंती मुकुंद ये प्रकार मुरारी मुरासर को जी बद्ध कले कंसारी कंस को जे उधार कले सब ना अच्छी माधव माँ राधाराणी स्वामी जे प्राणेश्वरी प्राणेश्वर माधव तेनालीर कर्म अनुसार नामकरण करतमान आम जुगर नामकरण कौन सी भैल्यू उल्टा पाल्टा सब ना ना होते कमल लोचन देख ला टेराटा होती ना होते पूरा कौन कह लक्ष्मी ना पाई तो गोबर गोटो तो सी नामकरण किसी उल्टा पाल्टा सब तेणु भगवान नाम सहित कर्मर संबंध रही तेणु गुर्गाचार्य कहते बहुत कर्म अनुसार गुण अनुसार नामकरण करे सब मुझे जाणी कि संसार लोक जानते नहीं सुंदर कथा कहले हे नंदजी ये जो शिशु किसी दिन पूर्व पूर्व जन्म वसुदेव संतान है जन्म होते ये तेणु आपको लोक मैंने श्रीमान वासुदेव डाकती श्रीमान वासुदेव नाम भी विख्यात जगत रे को जन्म रे अब से गर्गाच प्रकृत कथा कही ना छल कर पूर्व ये जन्म होती वसुदेव घर तापर ये जितेबले जितेबले जगत रे विपद पड़े से समय प्रकट हमें आंकर सान्निध्य लाभ कर संसार शांति समृद्धि सुस्थापित होता है पूर्व कल्पर गोटे देश राजा राजा अराजकता बीतीगला से तो लोक मैंने आंकर सान्निध्य आसी राज्य शांति स्थापना करते विभिन्न प्रकार पूर्वर कथा कहते यही शिशुर प्राकट्य पर देखिए आपण राज्य सब वैभव ऐश्वर्य सब किसी समृद्धि प्राप्त हो विपदर प्रश्न ही ना जो माने यही शिशु प्रति स्वाभाविक प्रेम कर प्रीति करती से मानकर सौभाग्य को प्रशंसा करने मोर शब्द ना गर्गाचार्य कहते यही शिशु प्रति जो माने स्वाभाविक प्रीति करती से मानकर जीवन में शांति ही शांति सुख ही सुख आंकु जो मैंने भल पाते अंतर सहित
तार शत्रु विनाश अनिर्वाज्य तार भीतर शत्रु बाहर शत्रु सब नष्ट जो मैंने आर्य सेवा करेंगे तुम्हारी शिष्य असाधारण शिष्य आर्य सेवा जो मैंने करेंगे आपको जो मैंने भल पाइबे भीतर जिते काम क्रोध लोभ मोह मद माच्छर्य शत्रु अच्छा बाहर जिते शत्रु अच्छे सब दूरीभूत हो जाए सब भान हो जाए सब शत्रु हंतार कहिए एकाधारे कहवाकू गले ऐश्वर्य संपत्ति रूप प्रभाव समृद्धि ये सबुरे नारायण सहित समान ही है नारायण समगुण कहले जे नारायण भी कहना मैंने आज प्रभाव आज समृद्धि आज ऐश्वर्य आज विद्वता ये सब देखने मन हो नारायण सहित समान तेणु हे नंद तुमर जे आत्मजना ताको जत्न सहित पालन कर श्री कीर्ति अनुभव से गोपावेश समय तेनाली जत्न सहित पालन कर ये नंदस्त आत्मजनक शब्द उठे गौड़ीय वैष्णव का विचार अलग प्रकार रही प्रकृति नंदक ही पुत्र ये जदि वर्णना अच्छी पूर्व जन्म परीक्षित मात्र प्रश्न कले सुखदेव गोस्वाई को कहले हे महाराज ये नंदजी कौन तपस्या करते जी अखिल ब्रह्मांडर मूल पुरुष तर पुत्र रूप प्रकट हेले जशोदा माँ कि भाग्यवती जहाँ को ठाकुर जी तर स्तन्यपान कर सहस्त्र सेवा कर चिंतार अतीत महाराज एम कौन तर कर्म थी निश्चित रूप से किसी पूर्व स्वीकृति अच्छी से सुखदेव स्वयं हस्य गोटे उत्तर देते पूर्वजन्म ये द्रोण थे पूर्व ये धारा थे नंदजी द्रोण ये धारा इन सब तपस्या करते ब्रह्मा को कहले आम परवर्त जन्म जो श्रीकृष्ण प्रति आम अन्य भक्तिर ब्रह्मा कहले अस्तु कहते ये तो लोक साधारण क्रिया होगा कि सिद्धांत हूँ बास्तव में नंद बाबा और जशोदामा एम हूँ कृष्ण नित्य माता नित्य पिता जदि भगवान ठाकुर जी बापा माँ जदि किए हे नंदजी जशोदाजी मूल से मैंने जितने से राम ही आसले एम आसले कौशल्या दशरथ है जितने से चैतन्य महापुर आई दिज आस जगन्नाथ विश्व सचिमाता है मूल रूप से नंद जशोदा मूल पिता माता अच्छा तपस्या तो करते द्रोणधारा ना जितने ठाकुर जी स्वयं अवतारी पुरुष अवतीर्ण हेले लीला विलास करने गोलोक भोलोक से टीम सहित आ परिकर मान सहित तेनालीर पिता माता गोटी प्रकट कर द्रोण और धारा जी तपस्या करते अंश मिश्रित होती भाव वर्णना करमती पंचपाण्डव स्वर्गारोहण कले अच्छा को भगवान भजन कर भगवान सान्निध्य लाभ कर जो पंचपाण्डव के प्रेम पाखे ठाकुर जी वशीभूत होती जहाँ दूत भी होती सारथी होती जहाँ सबकि काम कर परम सेव्य बंदनीय ही पंचपाण्डव पाखे ये सब समस्त सेवा करते प्रीति भगवान को पंचपाण्डव आ भगवान साक्षात्कार सन्मिधि लाभ कर स्वर्ग को जीवे कि स्वर्गारोहण गले अरे स्वर्ग तो जगत जो पुण्य कर दान कर जो दान दक्षिणा दौरान पुण्यकर्म कर पोखरी खोल सब खनन कर सब मानव सेवा करोपकार स्वर्गाय पंचपाण्डव कौन स्वर्ग जीवे कि स्वर्ग गला कौन ना स्वर्ग को देवता अंश आसु जाती पंडुं देहांत पर ऋषि अभिशाप ना ऋषि ऋषि पत्नी जो क्रीड़ा करते मृग रूप से हरिण रूप से विहार करते पंडु महाराज गले शिकार कले मरीगला स्त्री बाजीगला से अभिशाप देते तुम भी जो प्रकृति सहित स्त्री सहित सहवास कर तुम मूर्धनापात हो पंडुंर कुंती सहित कौन सी दैहिक संबंध रही से कितु वंश तो रक्षा करा पड़ो पंडित जी जानते कुंती को दुर्वासा गोटे शक्ति माला गोटे देते पुष्पमाला से माला को रुद्राक्ष माला से माला को जप कले जो जो
ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଇପ୍ସିତ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପଣ୍ଡୁ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ କୁନ୍ତୀ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ସେ ଋଷି ପ୍ରଦତ୍ତ ସେ ମାଳାକୁ ଜପ କର, ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଛି, ବାସ୍ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସେ ଜପ କଲେ, ଡାକିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଆସିଲେ, ପବନ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ବି ଆସିଛନ୍ତି, ନକୁଳ ସେଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମରାଜ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅରୁଷରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଂଶରୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଭାଗବତ। ସେମାନେ ଭଗବାନ ତ ଲୀଳାବିଳି ଆସିଲେ ନିତ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଲୋକରୁ ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମହାଭାଗବତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ କୁନ୍ତୀ ଯେଉଁ ତପସ୍ୟା ଜପ କରୁଥିଲେ, ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହିତ ମିଶିଗଲେ, ଅଂଶ ମିଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ରକଟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଯେଉଁ ଦେବତା ଅଂଶର ଦେବଲୋକ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ପ୍ରେମ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଭାବକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର, ରାଧାରାଣୀ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୋତେ ଚିନ୍ତନ କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସୁଖ ହେଉଛି, ଏମିତି ମୋ ରୂପରେ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏଥିପାଇଁ ରାଧାଙ୍କର ଭାବ, ତାଙ୍କର କାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ସେ ଆସିଲେ। ଏ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱୟଂ ରାଧା ଭାବରେ ଭାବିତ ଶ୍ରୀମନ୍ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏ ବୌଦ୍ଧ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଗାବତାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଯୁଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୌରାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମୟରେ ଯୁଗ ଅବତାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେ ଯୁଗ ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ଲୀଳା, ଗୋଟେ ଲୀଳାରେ ସେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଆମ ଭଳିଆ ବଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ, ବହିର୍ମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ନିଜେ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ହେଇକି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ, କେବଳ ରାଧା ଭାବରେ ହୋଇତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ସିଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ହାତ, ଯେ ଗୋଟେ ହାତ ହେଉଛି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ନିଜେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ରାଧା ଭାବରେ। ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଲୀଳା, ଗୋଟେ ବହିର୍ଲୀଳା। ଏଇଟା ବହିର୍ଲୀଳା ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କାମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗାବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଯୁଗାବତାର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ସ୍ୱରୂପ ନିଜେ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁରକୁ ସେ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅସୁର ମାରିନାହାନ୍ତି। ମାରିଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କୃଷ୍ଣ ମାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ତ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ମିଶିକିରି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଅସୁର ସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଥିପାଇଁ ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼, ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନ ବୈଷ୍ଣବ ମୁଖରେ ସେ ଶୁଣାଯାଏ। ପ୍ରଫେସନାଲି ବକ୍ତା ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତ ଯାହାକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କହିଦେଇ ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ିଏ ଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାରଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର। କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ବିଷ୍ଣୁ କରେ ଅସୁର ସଂହାର। ଯାହା କୃଷ୍ଣ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଅସୁର ସଂହାର ବା ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନନ୍ଦସ୍ତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜୟ, ନନ୍ଦଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ପୁଅ ଇଏ। ତେଣୁ କହିଲେ ହେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ବାବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯଶୋଦା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲାଲା ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯିଏ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଜୀ ବହୁତ ବୁଝେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ, ବୁଝିଲେନି ନନ୍ଦ ବାବା। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମହାରାଜ, ଆକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ କର, ଗୋପାୟୁଷ୍ୟ ସମାହିତ, ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଇଏ, ଆକୁ ବଡ଼ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ କରିବେ, ଇଏ ନାରାୟଣ ସହିତ ସମାନ। ଆମର ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗୌଡ଼ିୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସହିତ ଅସମଗୁଣେ, ନାରାୟଣ ସମଗୁଣେ ଶବ୍ଦର ଅଛି, ଏଥିରେ ଅପସର୍ଗ ରହିଯାଇଛି,
नारायण असम गुण नारायण नारायण सहित गुण रही सामान नहीं बोट आंख पाखे एत गुण अच्छे नारायण पाखे नारायण किए कि वैकुंठर अधिपति अधीश्वर नारायण पार कौन वंशी अच्छी कि वंशी ना कि नाम ठाकुर जी पार वंशी अच्छी तेनाली वेणु माधुरी आंख पारे आंकर नाम माधुरी रूप माधुरी वेणु माधुरी लीला माधुरी ये सब नारायण पार अभाव तेणु कहला नारायण असम गुण वैकुंठर अधीश्वर नारायण ठार् पाखे एमती किसी गुण अच्छी जो सर्वश्रेष्ठ रसराज कहा जाए तेणु हे नंद जी आपणा को जत्न सहित पालन कर तापर गर्गाचार्य विदाय ने नंद बाबा भाविले बोधे से नारायण उपासक थे नारायण शालग्राम को पूजा करते ठाकुर जी स्वयं प्रकट होती कि नारायण शालग्राम पूजा करती स्वयं लसुदा कह देख स्वयं नारायण बोधे आम शालग्राम पूजा करते ना से ही शक्ति संचार कर प्रकट होती ए प्रकार विश्वास केबे आसला जिते नंदबा थे कही लाला को लाला से जो नहीं आसे पीढ़ाटा बसिया प्रसाद पाया समय से पीढ़ाटा धरिकी आस बड़ कष्ट कुंथी ठाकुर जी धरिकर आसले रखिले प्रसाद पाइस नजर पड़ा से घर भितर चिन्ह रही शख छत्र गदा पद्म ध्वज विभिन्न प्रकार चरण चिन्ह सब रही ठाकुर जी छोट चरण चिन्ह रही एम जोगमारे एमती मोहित होती नंद जशोदा नंदजी कहते हैं देख देख जोशे देख साक्षात शालग्राम आज लीला विलास कर आज उत्सव करवा आम नारायण शालग्राम आज पूरा लीला कर लाला प्रति लालार लाला को सी बेस भल पाँच तार शक्ति राशि ना तेना आज आम महोत्सव करवा ठाकुर जी चली चरण चाप कि सी कहते हैं नारायण जी लीला कर जोगमायर प्रभाव तेणु अनाबिले प्रीति कहगला एमती जशोदा नंद प्रीति ठाकुर जी प्रति अद्भुत विरल ठाकुर जी से लीला को आस्वादन करने आसते धीरे धीरे बड़ हो ठाकुर जी राम श्याम वर्तमान आंकर ना दे कृष्ण ना दे सी धीरे धीरे बड़ हो वर्तमान चाली शिखिगले जिते चलवा आरंभ कले पूरा सारा ब्रज आकर राज तो महाराज सम्राट ताकर कथा कार्यकार शक्ति ना जो चाली आरंभ कले देखिए गोटे लोक अपरिचित लोक नंदबाबा राजा समस्त आसते सी फेरिक जी ये दीज ठुक ठुक कर चल चल जी पूरा चरण झुनझुन झुनझुन कर पचर दौड़ जी यदि से लोकटा बुली पड़ो ता मुहटा देखिए अपरिचित लोक मुहटा देखिए रही आज जी रही दौड़ी पलि आसे माँ पाख माँ कूल को कहीं पूरा पिला मान गोटे स्वभाव थाए घर को जी किए आसती टे हम गोड़ी करेंगे टी चल चल जी जी सी देखिए तार निज लोक कई ना तो डरिकी पल आसती माँ पाक ठाकुर जी से लीला ही कर अबिकल मनीष बत लीला पूरा झुनझुन कर चली जाऊे से पछ बुले तो देखिए मुहटा अरे ये तो आम कहीं ना माँ के पाक पलि आस माँ के पाखे तेणु ठाकुर जी जो बड़ भी होती सब सांगसा सहित मिशी समस्त सखा टीम पूरा सहित लीला करने आस ठाकुर जी तेणु अद्भुत लीला से आरंभ कर गोटे माखन चलीला जाओ कह माखन चलीला करने ठाकुर जी जा बड़ हो गले एगार वर्ष पर जिते मथुरा गले स्कूल जॉइन है किंतु एगार वर्ष छ मास पर्यंत पूरा ब्रजटा को पूरा उत्पटांग करमती लीला कर आज पर्यंत महापुरुष मैंने सन्त रसिक मैंने आस्वादन कर समय बीत देखते जगत रे संसार रे गोटे सुख अच्छे तो सुख कह जाए कि विषय अर्थ भी किसीटा गोटे समय को सुख मिलूँ परिवार कले पुओ झी स्त्री स्वामी भाई भौनी बापा माँ रही किसी अर्थ रही कुकर बिराड़ी सब रही सुस्त संपर्क सब रोचे गोटे सुख मिलूँ गोटे
କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ସୁଖ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟେମ୍ପରାରୀ ପରିଣାମ ଭାବିବ ତା'ର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନା, ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ଜଣେ ବଞ୍ଚୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କି ସୁଖ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ଜଣେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛି ମାନେ କିଛି ସୁଖ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି। ହେଇପାରେ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀଟି ଥିବ, ପୁଅଟି ଥିବ, ଝିଅଟି ଥିବ, ବାପାଡ଼ି ମାଆଡ଼ି ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହେଲେ କିଛି ନହେଲେ କୁକୁର ଉଡ଼ିଦିଟା ଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଥି ସେ ଗସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ହସ ଖୁସି କରେ, ମିଳାମିଶା କରେ, ଆନନ୍ଦ ରୁହେ। ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ବିଚରା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଥିପାଇଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି, ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣ ଆସିଯାଇଛି, ଜଣେ ତ କିଛି ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିବ ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯେ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏ ଲୀଳାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆକୁ ଆଧାର କରି ସନ୍ଥମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ କାଳିତିପାତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଲୀଳାକୁ ଯିଏ ବିଷୟ ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବ, ଦେଖିବ ବିଷୟଟାକୁ ବିଷ କୁହାଯାଇଛି, ଅନୁଭବ କରିବ ସେ ପକ୍କା। ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏତେ ମଧୁର କୁହାଯାଇଛି, ଏ ମଧୁରାତି ମଧୁର ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳାମୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ସେ ଭାବନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଦେଖି ଏଥିରେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ସୁଖ। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟକୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି ଲୀଳା କଥା ଶୁଣୁଛେ ନା, ଆରାମରେ ତ ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ କୁହାଗଲା, ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ। ଏ ଠାକୁରଜୀ ସେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେତେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରଜରେ, ଆଉ ପୁରା ସବୁ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ, ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ପୁରା ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ପ୍ରତି ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଲା, କାର ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମସାମୟିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେତେ ମିଶିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ। କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣୀୟ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରିବା, କ'ଣ କରିବା, ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ଗୁଡ଼େ କ'ଣ ନା, ପାଠମାନେ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ, ପାଠମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେବ, ସେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆମେ ସେ ଶିଖିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଭ ହେବ, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ଦେଖିବ, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ହଉ ଗୁରୁ କିଏ ହେବ ନା, ମୁଁ ଗୁରୁ, ତୁ ଗୁରୁ ହେବ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ କାହ୍ନା ତ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ଗୁରୁ ହେଇଛ ଶିଖିବା କ'ଣ। ସେ ପାଠ ହେଉଛି ଚୋରି କରିବା ପାଠ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚୋରି କରିବା ପାଠ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚୋର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଗଲା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ବୋର୍ଡ଼ ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଇ ଟି ଆଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ITI ଫାଇଟି ସବୁ, IIT ସବୁ, ଏ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଚୋର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଲେ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରଜର ବ୍ରଜବାସୀ ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫିଜ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ଫିଜ୍ ନାହିଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫିଜ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟଡ଼ି ଫିଜ୍ ବି ନାହିଁ। ଷ୍ଟଡ଼ି ଟୁର୍ ବହୁତ ଅଛି, ଷ୍ଟଡ଼ି ଟୁର୍ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯମୁନା ଯିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, କଦ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯିବେ, ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟଡ଼ି ଟୁର୍ ରହିଛି ସବୁ, କିଛି ଅପସନ୍ ଦେଖେଇଲେ ନା, ସୁଖ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସ୍କୁଲ ହେବ କେଉଁଠି, ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ, ଗଛ ମୂଳରେ ଠାକୁରଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ, ଇଏ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର, ସେ ସେଇଠି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କଦମ ମୂଳରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିଚିଂ ସେଣ୍ଟର। ଇଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଇଏ ହିଁ ଡିନ୍, ଇଏ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଅଲି ନଲି, ଇଏ ସେ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବି, ସେ ସ୍କୁଲର ପିଅନ୍ ବି, ଇଏ ସବୁକିଛି। ବ୍ରଜବାସୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୋଲେ ଭାଲା, ପ୍ରକୃତିରେ ଭୋଲେ, ପୁରା ଭୋଲା, ଭୋଲି ବ୍ରଜବାସିନୀ ଭୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମକୁ ଭୋଲା କୁହାଯାଏ, ପୁରା ସରଳ ଯାହା କୁହାଗଲା, ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁକିଛି। ବିଶେଷ କରି
ठाकुर जी जहाँ कहते विश्वास करते ये जहाँ कह विश्वास करते एत प्रीति ट्रेनिंग आरंभ होगा प्रथम दिन इंट्रोड्यू से दिन सब परिचय हो ना आम कलेज परिचय दि परिचय दिज्व कार कौन के कौन सब टैलेंट सब देखा सब सांगसाथी से दिन गला फर्स्ट डे गला द्वितीय दिन तक क्लास आरंभ कहले आज आम चोरी करवा शिखिया चोरी माने कौन चोरी माने अन्यर वस्तु को न कहीकि नहीं आसवा तार अजाणत तार लुचे ये कहे कौन ठीक मधुमंगल ब्राह्मण छे तो ब्राह्मण को पुह से पन्नुआ सिंह से कहले यहाँ कौन ठीक कहले हाँ यहाँ ठीक पो शास्त्र शास्त्र कथा ठीक पूरा ठीक माने अन्यर वस्तु को प्रकृति से प्रश्न उठिले अन्य वस्तु को न कहीं आने ठीक चोरी कह जाए किंतु आम जो चोरी करवा प्रकृति हक अच्छे आमर से कमी आम कौन चोरी करा कि ना माखन चोरी करिया ये पाठ पढ़ले देख आम आम सब गोबच्छा बाछुरी चारण करे हाँ आम ब्रजरे सब रही चे आम माँ मैंने कौन कर गो दोहन कर हाँ दोहन कर आम से गोमातार सेवा करे ना जहाँ कि गोमूत्र बाहर कर सेवा जहाँ भी गाँव में सेवा करे किंतु से मैंने कौन माँ मैंने कौन करती गोदोहन करती से गो दुग्ध को जा मथुर बिक्री कर दूसरी आमको टिकी भी दौना तेणु आम मगले भी दौना गाड़ी करमर हक अच्छे ना कह समे कहले हाँ हक अच्छे चलो दिल्ली चलो स्ट्राइक आरंभ होगा आमर दाबी पूरण हवा दरकार कौन दाबी ना आमको तो मगले दौना आम से आम वस्तु को आम हड़प करा मगले तो देवेनि तेणु से मैंने अलक्षर आम नहीं आस सब राजी गल हाँ माखन लोभ ना माखन खाए कि ठाकुर जी शेष गोटे कथा कहले सब मुँह सुखीगला कहले प्रथम दिन समस्ते निज निज घरे चोरी कर ये कहले बाबरे समस्त माँ मुह मन पड़गला माँ को मुहटा को निज घरे चोरी कले माड़ फाड़ बाजि किसी कहना भाई निज घरे चोरी करना अरे प्रथम दिन निज घरे चोरी करा दरकार ये पाठ ये कोर्स ए प्रकार ये कोर्स आम सिस्टम यहाँ प्राक्टिकल है मैंने तुम शुणिल शुणिल थ्योरी प्राक्टिकल करा दरकार प्रथम प्रथम गोटे दिन वन खाली सब गले चिंता करा के माँटा कुआ जीव चिंता कर सब प्रति घर छु पाने समस्ते अलक्ष्य सब चोरी कर सब धरा पड़ जा जीवन में जी प्रथम चोरी कर धरा पड़ज जो मैंने प्रथम चोरी करती धरा पड़ज जदि किए प्रथम चोरी कर धरा पड़े बुझा पड़े पूर्व जो तार रेकर्ड अच्छे पूर्व रेकर्ड थी जन्म तेणु प्रथम जी मिछ कह पापकर्म कर डर सी किंतु बेक बाधा दौथ जदि बेक शतदंशन सत्य सी भी सी पापकर्म को डरवन से पूरा अस्ताद हो उस्ताद पूरा जेकोसी भूल कर चोरी डरी डरी कर डरी डरी कल मैंने कौन धरा पड़गले जो आकल को देखागला से कार मुखर बैंडेज पड़ी कार हाथ में बैंडेज पड़ी कह पीठ से बैंडेज पड़ी कह आंठू बैंडेज कह गोड़ बैंडेज से तो विद्यालय ना गोटे हस्पिटाल भाया देखागला मुह फुली जा रे फुली जा ठाकुर जी देखिए मुछक मुछक हसले एम सीधा कहले आज पाठ आरंभ पाठ आरंभ ना आम बर्तमान आम बहुत पाठ हो गला तते जुआर तोर से पाठ को जुआर आम भाई चलू आम भल कि पाठ पढ़ल माँ मैंने जहा दे गरम गरम पूरा उत्तम मध्यम बाल बाल रक्षा पाईल आम प्राण विकट दौड़ी आस पछुचे काले माँ आस पूरा समस्ते कादुंत कहले कान्हा तो गोड़ धरच पाठ पढ़ाने भाई आमर हो गल कान्हा कहला अरे एमती हुए तुम्हें पूरा पास पास मान कौन पूरा सफल हो जामती ना प्रथम चोरी कले माड़ खाया पड़े पाठ नियम यटा प्रथम चोरी कले माड़ खाया पड़े तेणु तुम सब पास हो जो चोरी हम
आ माड़ा खाइबारे कहीं से मुँह थी पाखे आ जन कह अच्छा कहने वो कहीं तोर तो बैंडेज फैंडेज किसी ने तू बोध चोरी करनी बोधे ये कह रहे मूर्ख तो तुम मुँह तुम गुरु परा मु चोरी कर ओस्ताद सरी जाइए सब उठे ये सब मोर सब रेकर्ड सरी जाइए से पाठ पढ़े आस तुम भाई कौन नुआर एडमिशन है कौन कह हाँ ये भी सत कथ ये भी सत्य कही थी तापर राज्य समस्ते टीम सहित चोरी करेंगे प्रति घर चोरी कले आज्ञा अच्छा शुणु ये जो लीला शुणापुर शुणा दरकार ठाकुरजी हूँ लीला पुरुषोत्तम ठाकुरजी लीला पुरुषोत्तम जो मान सहित से लीला कर लीलार पात्र से मैने जो वस्तु सहित लीला कर लीलार उपकरण सब से वस्तु से धामा जोड़ी कर लीला धाम कहगला तेणु कौन सी जागतिक भाव में ग्रहण करेकोसी ठाकुर जी लीला को सी आम भाया मरणशील जगत लोक सहित लीला करना नित्य परिक्रमा से लीला कराम से धाम डाइडी ना नहीं आम लीला करने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाक स्वपार्षद सीय धाम सह अवतरी स्वपार्षद सीय धाम निजर पार्षद निजर धाम सहित अवतरी नहीं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी सी प्रकार वृंदावन को सही नहीं आए तेनालीर जो लीला जो जो लीला कर लीला क्षेत्र जो मान सहित लीला कर लीलार पात्र सी स्वयं लीला पुरुषोत्तम सी तेनाली कौन जागतिक भाव में ग्रहण कराटा ठीक नुहे से भाव शरणागत एत आनंद अच्छी अच्छा जगत रे किए एम अच्छा जार चोरी कथ शुणा किए बस जी चोरी कर सी माड़ खाए जेल भितर पड़ो ना शुणी लोक छेप पके कि ठाकुर जी चोरी करेंगे शुणुचे हजार हजार वर्ष दे चलती से लीला श्रवण कले आनंद मिलूँ कहीं जो चोरी कर चोरी क्या कहला अगर अजाणत चोरी करा जीवो जी जानवे कि देखिए अनुसंधान कल तो पाई मिले जी किए चोरी बहुत चोरी हो आज कल सी भी खुच धरी पारना कि ठाकुर जी जो चोरी करोपी मान सामने चोरी कर देखुं से मैंने सब विशेष कर गोपी मैंने चाहूल आज लाला आम घर को आस सब गोपी मैंने प्रतीक्षा करते कहीं चोरी है समस्ते प्रतिदिन सन्धार जमुना को जाती नियम से ब्रजर प्रति माँ मैंने ब्रजांगन जमुना कूल को जाती जमुना कूल कथा चले ब्रजर कथा कथार मुख्य टॉपिक लेटेस्ट न्यूज तक हूँ आज क्या घरे ठाकुर जी चोरी करते नंदलाला क्या घर को आसते जहाँ घर को आसीथे सी छिड़ा होदिनकर मुख्य प्रिचर से वक्ता सी से दिन से ये गर्वर कह मान जमी वंशर गोटे बहुत बड़ उन्नति लाभ हो सफलता ठाकुर जी तर आस चोरी कर समस्त सामने शताधिक सहस्राधिक गोपी मान सम्मुखें से पूरा गर्वर सहित कहीं मद कृष्ण गुण गाने नरोत्तम दास ठाकुर कहले आम भितर जो लो काम क्रोध लोभ मोह मद मछर जो छड़ रिपु अच्छी आपको दमन करम कृष्ण कर्मार्पण लोभ साधु मुखे हरि कथा क्रोध भक्त देशी जाने मद कृष्ण गुण गाने कृष्ण गुण कीर्तन कर गर्वित हवा दरकार गोपी मैंने सेमती थे तेणु जो गोपी घरे कृष्ण डाका डालुले टीम सहित चोरी करते दिन से पूरा पूरा हीरो से दिन पूरा गर्वर सहित से कहते उत्फुल्लित हो समस्ते जा घर चोरी कर ठाकुर जी से निजी सब हतभागिनी पापिनी बाजक बड़ धिक्कार कर भाग्य को कहले मुँ एक मात्र से अपेक्षा करते के मोर से समय आसो के ठाकुर जी मो घर को आसवे मान ठाकुर जी को चोरी कर चाहूल ठाकुर तर चोरी करूँ से सम्मुखें चोरी करते तेनाली चोरी कहजन बास्तव चोरी अंतराल से मनटा को चोरी कर हृदयटा को चोरी कर माखन तो गोटे मध्यम परिकर मान सहित से चोरी ओस्ताद से मान ब्रजर कथा कौन ब्रज पर कलिजुग माधव दास सहित चल कुमन दास सहित चोरी करंबन दास महात्मा थी
चंद्र सरोवर रे ठाकुर जी के सहित सख्य रस यही केत वर्ष पूर्व बुढ़ा लोक भजन करसिक जप कर कृष्ण कर अन्य भक्त निष्किंचन महात्मा बल्ल ब्रह्मचारी से सिद्ध महात्मा से छोट लोग आजन कर ठाकुर जी कहले कमन दा कमन जी ना कौन चल आज जीवा ना कौन माखन खाइबा दही ब्रजवासी दही मतन करते कहले तुम दही खाइ इच्छा अच्छे ना चल क्या डाक मोर किए अच्छा अरे कोई नहीं है तुम्हारी सिवाय चल ना ये कहले मु वृद्ध लोक कड़े जी अरे चल हाथ धरी गले दिजन जाऊँ कुमन जी जाऊँ ठाकुर जी जाऊँ यही कलिजुगर कथा गोटे घर ब्रजवासी घर प्रवेश कले लाइट ऑफ पूरा से इलेक्ट्रिक नाला से समय अंधकार सुई ये तो जानकर तो अभ्यास अच्छी कौड़ी अंधकार छपेली से जान दिखते कौड़ी अच्छी से पूरा पुराणा रेकर्ड से जाणी कौड़ी सब माखन रखाई दही रखाई से मटका बाहर कले खाइबा आरंभ कले से समय साउंड टी शब्द होगला जो शब्द ही सब ब्रजवासी उठी पड़े उठी पड़े पकड़ 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 मार 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 सब धूर्दाड़ है ठाकुर जी तो ठाकुर जी अंतर्धान हो गले से तो गायब हो गए सीट सब आसले बुढ़ा महात्मा पिटले पूरा पूरा पिट ये खाली राधे 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 जो राधे राधे शुणिले सब चुप हेले अरे कोई महात्मा है शायद देखो 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 लाइट लगे जी कुंभन जी मार अरे महाराज जी आप अरे हमको आप पहले से बोल देते हम हाजिर हो जाते कुटिया गेट पर इतनी तकलीफ क्यों उठाए महाराज देख ले सिद्ध महात्मा से अपना इतने कष्ट कहीं पड़ लिया हम कोई थे हम नहीं था तो कोई कमी है क्या आपकी कृपा से घर में सारा ब्रजवासी तो आपकी चरण में आश्रित हम लोग बोलते नहीं क्यों ये खाली कांदुचं किसी वृद्ध बहादुर थे कहले महा बाबा कुछ तो बोलिए मुझसे यकीन नहीं हो रहा आप इस चोरी करने के लिए यहाँ पर आए कुछ तो लीला है बोलिए ना बाबा तो पत्थर लगी वाले ये कहले लीला तो है वही जो नटखटी है ना जिस ठाकुर जी कृष्ण जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के आए जहाँ पर सब छाड़ी के आसी मुझे से स्वभाव एपर्त जाए द्वापर चोरी करूला एवं भी चोरी कला सी तो ठाकुर अंतर्ध्यान होगा मुड़ खाइल लोक सब आश्चर्य होगले बाबा को प्रणाम कले गल खाइले स्नान कले खिची कले गुमे बसले अभिमान आसीगला ना सख्य रस अच्छे ना संध्या होगा राति से कह कुंभन जी ए कुंभन ये कले कहू ना अरे कुछ तो बोलो क्या बोलो तेरे को अरे क्या सुख मिला तुझे ऐसे सुख मिलता है तुम्हें तेरे लिए सब छोड़ कर आयो मैं ये बुढ़ा अवस्था मत माड़ खुआल भल लगुच देख मैं ठाकुर जी कह मोर तो मुझे भाव नी से पिटे बोली तापर बहुत दिन है मुझे लीला करी ये कलिजुगर मोर सांग किए अच्छे तुम्हारी से मोर कोई नहीं एहसास के दाम तुम बिना मोर आई सांग अच्छे ये तुमको धरिए लीला करने दुर्भाग्य तेणु मुझे माफ कर दो ठाकुर जी क्षमा मागुचंती ये तो मेरी आदत बनी है भक्तों के साथ इस लीला कर कर लीला कर गोटे आदत हो गलानी तेणु तुम जो रूठ हो मानने कथा जदि न हो भजन जदि न कर मुझे खाइबी मु भी बंद मोर भी स्नान पान खान सब बंद बास ये तो बड़ टिंगा ना ठाकुर जी कहले कुमन जी तुम जब स्नान न कर तुम जब खाइबन तुम जब भजन कर मोर भी खाना पीना बंद मुझे चुपचाप बस चल लगे सर्थ ये कौन कर ठाकुर जी पाखे जमी जगदानंद पंडित आमर पूरा बंद करदे द्वार बंद करदे जगदानंद पंडित जी की थी से सब जड़ीबुटी मिस गोटे अतर तैयारी करते सैंड गोटे महाप्रभु देहरे सुगंध तौल तैल तैल सेवन कै गोविंद सेवक कले महाप्रभु देह दे महाप्रभु देखिले यहाँ किए आनी ना जगदानंद कौन गोटे पलंग नहीं आस गोटे सन्यासी गोटे सुगंध तैल न मारे हम कि गोटे पलंग गोटे नहीं आस छत्र महाराज
एमती कही जगदानंद पंडित पलासिले से अतटा देखिले से बोतल धरले धरी महाप्रभु सामने पूरा कचाड़ी पिटीदे कहले मु कहीं गाड़ी मोर कौन दरकार तुम किए कि मो मोर कौन आवश्यक मोर भजन दरकार मोर संसार आपकी कौन चेष्टा कर मोर आवश्यक ना कही पूरा काचरा भांगी गुड़ गुड़ पलैले तर अभिमान अच्छे संबंध अच्छे ना ठाकुर सहित संपर्क जोड़ थे मान अभिमान आसो घनिष्ठ संबंध जोड़ थो कबाट बंद कर रहीगले दि दिन ना तीन दिन बीती गला महापुरुष पचार गोविंद क्या खबर है ना वो तो सब बंद है खाना पीना सब महापुरुष खाई नापर गले द्वार पड़े कहले शुण तुम जैसे रोसे कर मु भी खाएनि तुम हाथ ही तुम पाक सिद्ध भजन कले ही मोर व्रत भांग जितने शुणिले महापुरुष खाई ना कबाटा पूरा खोजे पूरा प्रणाम कले जा रोसे कर आरंभ कले मान भक्त भगवान जो मान अभिमान जो प्रणय गोटे थाए गोटे कुमन जी से प्रकार ठाकुर जितने कहले मरी बंद सब से आउे उठले भजन कले करा ठाकुर जी को प्रकार लीला जदि आम मान भितर से प्रकार कि संस्कार भक्त जी थी भगवान निश्चय लीला करेंगे सहित करुथे से पूरा संबंध थी दरकार हृदय सहित हृदय संबंध थी दरकार सब गोपी मैंने थरी चिंता कले कले आरे गोपी देख जशोदा लालार पाई आम एत आज आनंदित होचे किंतु जा गर्भर से जन्म होती से माँ तो किसी जापारे ना से माँ किसी जापारे ये किमती चोरी करोरी चल आम अभिजोग दवा कृष्णकर विरोध में किसी कह आम कह अर्थ है कृष्ण तो विरोध करें कृष्ण ये जो कर्तृत्व से जो चतुरतार सहित चोरी कै आमको तार चोरी देखे जो आनंद आसे से जो चतुरता सहित कथा कहे छपि छपि चोरी करे तार जो कथा कहार जो भंगी जो स्टाइल जो प्रकार वीरपुरुष भाया चोरी करुव कि कौतु मालिक भाया कथा हो जो तार छाणी ना जशोदा माँ तर निजे बुझी पार नए से जापार नए तेणु चल आमर कर्तव्य आम प्रजा जिते हेले से माँ सीए माँ को पुओर टी महिमा शुणा चल यही चिंता कर समस्ते संकल्प आसी अभोग आल जशोदा माँ पहुँचुंट किंतु ठाकुर जी चोरी करांघर पूर्व कि चोरी करल्यमयी एत बात्सल्यर बात्सल्यता से सर लाइटली नहीं कथा पूर्व थे कौन हो ठाकुर जी को चोरी पूर्व देखिले माँ कड़े बाहर अच्छा कार्य अच्छा ये भितर देखिले चल माखन घर गोटे अच्छे माखन घर दु तीन टा प्रकोष्ठ अच्छे देखिले फ्रेश ताजा माखन गोटार अच्छे से आरंभ कर दे खाया प्रथम थर कृष्णकर न कहीकि माँ को खाई से प्रथम थर खाई इस देखिले मणिमय खम्ब था राजा तो सीना मणिमय खम्ब पूरा मणिर खम्ब जा सब खाई खाई जाऊँ देखले से जुआ समय गोटे प्रतिबिंब देखा प्रतिबिंब देखाला मणिमय खम्बरे आउ गए कृष्ण देखा ये सी अटकी गले माखन धरी कह आज जन किए आसीगला पाख जाए भी कर छविटा देखा दर्पण में कले से देखा जाए कि सी भी कर अरे भाई कौन है सी भी कौन है देख माया को बोल दूंगा सी भी आंगुर देख गला देख माया को बोल दूंगी एक बड़ बड़ माँ को कह दो कह भाई तेरे पैर पड़ता हूँ तू आस मेरा भाई भाई माया को कुछ मत बोलना सी भी कहला ये प्रतिम्ब जहाँ कह से कहे तापर ये कुछ देख देख जो माखन है ना इसमें तेरा और मेरा हिसाब हिसाब बराबर है मैं कंजूस नहीं कर तू भी कुछ खा ले नहीं कि खाऊ ले खा 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 सी कथा जो हूँ माँ शुणीदे पचपटे कौन कृष्ण गोटे बुटर बुटर कौन तुतली बोल कथा होपर सी जो आसीगले कन्या कन्या ये कौन कले धरदे मणि मड़े माँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया अरे किसको पकड़ा अरे अरे पकड़ लिया माँ पकड़ लिया किसको पकड़ा तू
किसका पकड़े? चोर चोर चोर। काय का चोर? क्या चोर की क्या बात है लाला? अरे मैया ये देख, देखो चंदी, ये जो है ना कल ये के आसी गोटे ये गुट के पुरुष आसी जे कि तुम नवनीत ईदम नवनीत मद्यम लोभे न तदीय चोरम ईत प्रविष्ट गृह प्रविष्ट कहले देख तुमर ये नवनीत को दर्शन कर लोभरे किए गोटे घरे प्रवेश कर चोर जड़े ठाकुर जी कहते तुम नवनीत को जो माखन तैयारी करा मा, से माखन लोभरे गोटे चोर भितर प्रवेश कर बहुत बुझेली मत बारण न मान तु मु मना कले से शुणनी मो कथा ठाकुर जी मु मना कर क्रधानित सी भी क्रधानित हो किंतु माँ सत कथा मोर ये माखन प्रति टी लोभ ना कथाकार गोटे शैली श्लो कर मुते मना कले से शुणुनि मु क्रोधानित सी भी क्रोधानित हो चोरी करुच्ची किंतु गोटे कथा माँ सत कथा मोर माखन प्रति टी भी लोभ ना ये जो कथाकार जो शैली ना ठाकुर जी जशोद रागि गण पूरा आलिगण गर्जन लाला कहले मो लालार के बुद्धि होगा लालार कते बुद्धि होगा आम जगत छुआ मैंने जदि किसी भूल करते मिछ टी कहीदे आम खुशी लगे मिछ कहते आम जानूचे खुशी लगे बुद्धि टी होगा तेणु थर थर एम कर थे कौन हो माखन तो पार्टी बाजी ना आउ थे प्रवेश कर घरे खिया चल ठाकुर जी जशोदमा आसिले कन्हा 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 देखले कौन नाई सी पचारे ये खाऊं कौन कर जल्दी जल्दी खाई सब पोछापोछी करदे पार्टी सब ढिपियार अच्छे ना गिली देला सुस्थ हो गले अरे माया 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 कहाँ लाला सी आसीगले देख ले माखन हाँटा पाखे अच्छे ये हाथ रही क्या कर अरे माया सी कह माया तु से पद्मराग मणिटा कौन कौन पिंधुचु ना मत सत जला हो मुझे देख ली तो खोजिली कड़े ना मुझ कौन कर जल भी कौटी मिललानी देख ली माखन हाँटा हाथ पुरे थंडा लगे बहुत बहुत मजा आ रहा अभी हाथ अरे लाला अद्भुत लग रहा है कथा ना जगत रुआ एम कही पारे नहीं सत कथा बुद्धि भगवान ना सी बुद्धि चलिया दिखती गोपी मैंने गोपी मैंने भावुं आम एत सुंदर ये तो छोट समय कथ एपटे बड़े चोरी कर टीम सहित चोरी करा गोपी मैंने से आनंद नहीं कहते सब कले जशोदा को कहे सो जा पार्टी कर जशोदे 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 जशोदा देखले समस्ते थे जड़े दिज आसते कौन पूरा दलबंध हो आसे अरे क्या हुआ कौन हला आज सब सखी सब गोपी कौन आस कहीं ना गोपी मैंने प्राय जाती गोपी मैंने प्राय क्या झाड़ू दरकार क्या तंडुल दरकार क्या गेहूँ दरकार क्या दही दरकार माखन दरकार खाली खाली जाती मागती जशोदे आज हमारी घर में कुछ नहीं है कुछ तो दे दो मैया माखन नहीं है जामुन नहीं है दही मथन मगुच सब जशोदा जानते कहीं आसने जाऊ खाली कुष्ठ को देखापी किसी ना ठाकुर जी को देखापी जा प्रत्येक दिन जदि ठाकुर दर्शन न हो हजम हो नाला प्रीति एमती हुए आज्ञा महाप्रभु कहले मत अदर्शन मर्माहतंग अदर्शन कहले गोविंद बिरहम कही गोविंद बिरहरे गोटे जुगायत निमेषण चक्षुषा प्रभ्रुषायतम शून्यायत जगत सर्व गोविंद बिरहमे महाप्रभु कहते शून्य गोविंद का विरह रे जुग मत शून्य बोध हो संसार मत शून्य शून्य हो गोविंद का विरह रे मान ठाकुर जी को दर्शन न कले मत सारा संसार शून्य बोध मन हो प्रतिटा मुहूर्त मत जुग भाया जुग इतंग निमेषण निमिष मात्र मुहूर्त समय मोपाई जुग भली प्रत्यवान हो विरहरे विच्छेद कृष्ण प्रेम आपको गला क्षण कल्पतम कल्पे क्षणतम तार अर्थ हो कृष्ण प्रेम ताकू कहुए जदि कृष्ण सहित कृष्ण को जी भल पाए जी मिशी बेस समय रल्प समय रही क्षणिक क्षणिक सदृश
समय अतिवाद पर अनुभव हे जमती हजार हजार वर्ष पर्यंत गोपी माने सहस्र वर्ष व्यापी गोपी माने रास महारास करते सारा तमाम दुनिया सब रात्रि होता से समय भगवान अपिता रात्रि श्रद्ध फुल मल्लिका श्लोक उठे अपिता रात्रि माने गोटे सहस्र वर्ष एत दीर्घ समय कृष्ण सहित विहार कलापर मध्य शेष गोपी मैंने भाविले एत जल्दी राति पाईगलाना कल्प क्षण तो कृष्ण प्रेम ताकू कहुए जो दीर्घ समय तक दर्शन कले अतृप्तिबोध हे समय सीमित हो समयटा आ कृष्ण प्रेम ताकू ही कहुए कृष्ण गोटे मुहूर्त विच्छेद दर्शन गोटे जुग भाया प्रत्ययमान हे कृष्ण प्रेम कहगला जो मैंने कृष्ण भल पाती ना गोटे मुहूर्त न देखले से रही पारे एथ चैतन्य महाप्रभु कहे जुगैतांग निमिषेण चक्षुषा परावृषायतम जो चक्षुर ठाकुर जी अंतर्धान है दर्शन नक मत गोटे मुहूर्त जुग भाया प्रतिमान हो जाए थोड़े छल कर महाप्रभु कहते तुम सब परीक्षा कर मुझ परीक्षा करी ना कहीं करनी ना तुम सब परीक्षा कले पछपटे ठाकुर देखी पारे मुझ ठाकुर देखी सब सतान विचार यहाँ महाप्रभु तुम से पर करेंगे आपने महाराज कह न कर रही भावना ए प्रकार कृष्ण प्रेम ताकू कह जाए तेना गोपी मान को भी प्रकार प्रेम थिला से माने शुणापी जा जशोदा माँ को ऐ जशोदे ऐ जशोदे एम कहले देख जशोदे तुम्हें आमर महाराणी आम प्रजा अच्छा ये तो बताओ आमे ब्रजरे घर कर रोबू कि ना हम लोग ब्रज में ब्रज रोबू ना ब्रज बाहर की चली जाऊ ना कौन पाए तुम लाला कौन लाला आम छुआ छुआ लाला नुह कि सी कौन राजार छुआ हाला बोली राजार पिला हेल्ले कौन सब आम सब नष्ट कर ये कह कौन नष्ट कौन नष्ट पचार न कौन न कर प्रति गोपी आम सब साक्षी समस्त घरे से डाका डाली अरे कौन करी कह जदि किसी क्षति करदेवी ये कहले अरे जशोदे दबा कथा पड़े से कौन तुम जान आम गोपालन करमर पेशा हूँ गोपालन करवा दुग्ध दहन करवा माखन या बिक्री करवा दही माखन आदि किंतु ये कृष्ण कौन करे से आसी सब नष्ट करे जन गोपी कौन किमती नष्ट कर जाच बत्सान मुंचन कोचित असमय क्रोध संजात हास स्तेयं सद्य तथ दधिपै कल्पितै स्तेय योगै मर्कान भोख्यान विभजति इस उठी संधि बत्सान मुंचन कोचित असमय बत्सान माने बाछरी गुड़ी को बाछरी पाड़ी बाछरी मानक दुग्ध दोहन पूर्वर एम कौन करते शरीर बेकुरु सब दौड़ी रसी बाहर कर दिखती मुंचन कर दिखते मोचन तथा कौन हम आम सब घर सुई थाऊ यही समय ये जाए दल सहित जाती बाछरी मान को अलग बंधाई थाए बाछरी मान बेकुरु तो पघा खोली दिखती बाछरी मैंने दौड़ी दौड़ी चलती कौड़ी माँ का गोमाता पाख तार दुग्धपान कर दिखती यही समय आम कौन करूँ दौड़ी दौड़ी जीव से कौन कर से गाईटा भी फिटेद गोमातार भी गोमाता भी दौड़ तापरि बाछुड़ी दौड़ आम घर सारा सब दौड़ थो रास्ता ट्राफिक क्लीयर तापर ये टीम सहित घर प्रवेश कर जहाँ भी तो एक तो से दिन दुग्ध दहन क्रिया बंद तापर घर भितर जहाँ स्टक रखी थो बिक्री करें मथुरा नगर से सब खाई दिखती मानस यही प्रकार बच्छान मुंचन कौचित असमय जशोदा शुणी हसिले ये लीला कर लाला जना से सका सका ठाकुर जी कौन करते माँ रखे बड़ा धूल धूली दे दिखते से माँ सुई थे से सुबह आजिकल छुआ मैंने कितने कर सी सेटिंग कर दिखे शुआस माँ का पाखे शुंत माँ कार्य कार्य पलांती सी कड़े बासी कम कर गला ये अं रास्ते फेरार से जड़ सेटिंग कर दिए शा भाया माँ तो दूर देखते दे लाला तो शुचे लाला तो शुचे ये सब किस कर पारंदे जत सब विद्या आंक पर आसी सब जिते प्रकार विद्या जगत सब आंक सृष्टि छुआ मनुष्य आसपर कह अच्छा तुम टे क्रोध हलनी छुआ मनीष जो
शिशु वयस चपल स्वभाव तार टी तुम तुम सब माँ हिसाब से मातृ हिसाब से बड़ होने तुम टे रागी था क्रोधानित होता गोटे गोपी कहला अरे जशोदा आम कौन छाड़ीचु क्रोधानित होचु आम जो क्रोधानित होचु ना तिलमिल होरियापी शेषे से कौन कैर जान क्रोश संजात हास विधाता ता हसरे कौन रखी माँ से तो फिक्किना हसी दिए आमर जमी अग्नि जो प्रकार जल पड़ जाए से प्रकार आम सब क्रोध कुआ फिका पड़ जाए पूरा मुहर देखे मुह आम पूरा क्रोधानित जाए पूरा बाड़ी फाड़ी धरिकी पूरा अंटा कमर कसिकी बांधिकी जाए धरिकी राग क्रोधानित हो दंड देवाई से समय से आमको देखे हसी दिए तार से मंद मंद मुस्कान हस जस दे विधाता हसरे कौन से मादकता रखी आम बर्णना करना आम सब क्रोध पूरा पानी फुटका हो जाए ठाकुर जी हस बड़ पावरफुल अस्त्र आज्ञा सब डेंजर विपन अस्त्र हो ठाकुर जी हस ये जो मुचकी मुचकी हस सब तरी कला मुस्कान जा गला रावण भाई हसते नहीं सी हसर रहस्य सब अच्छी विघ्र जो दिन हसुथे ये तो विघ्र नहांती जो प्रतिष्ठा देखिए अन्यांश देखुए विघ्र मठ मंदिर जो घर भी रखिथे दिने दिने विघ्र हस देखा जाती जो दिन से हसुथे लीला किसी अच्छे पक्का रसिक भक्त जी थो जी सेवा करू से बुझीपार विघ्र हसरे के आनंद मिले हस देखले आ सेवार जब किसी विघ्न होती किसी भूल भी होती अज्ञान सारे ठाकुर मुखरे हस उठी जिते चेष्टा कले हस उठी जिते श्रृंगार करूँ जिते जहाँ करूँ माली फाली तुम कि हम ना पकड़ा आम अनुभव करवा से प्रति थी सेवक धर्म सेवक जदि निष्ठार सहित सेवा करदी कि अज्ञान सारे भूल भी होगा से दिन ठाकुर मुखर हसटा मरी जाए जब ठीक ठाक थाए खिल खिल हस जो हस देखले पेट पूरी जाए ये तो विघ्र देखुचे तो स्वरूप साक्षात प्राक्टिकल मैन जीवंत ठाकुर जी गोपी मान सहित तेणु कहले विधाता मुखर एमती हस रखी जहाँ को देखे आम क्रोध शांत हो जाए क्रोध संजात हास अच्छा गोटे कम कलन सी बोधे क्षुदार्थ थी ताको टे देदेल खायापाई गोप कि गोपी कह अरे जशोदा आम भी से मारात्मक भूल करूँ आम भी भाव छोट छोट शिशु मान सब खाई ना आम कहल कने कुछ चाहिए खाले खाले जिते आम तुमको खायापी दे कौन कले जान कौन कले पूरा अंटार हाथ दे कह ए भिकारुणी मो बापार 13 लक्ष गाई अच्छी मत कौन भाइकारी भाविलु दौ खा खा ले 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 ये प्रकार ओल्हाना दे मान चोरी करोरी चोरी, को, चोरी तार मालिक ठाकुर जी कहते मत कौन भिकारी भाविल मो बापार 13 लक्ष राजपुत्र मु 13 लक्ष मालिक गाईर मोर कौन अभाव अच्छे जशोदा माँ निज हस को रोक पार ना मन मन हस हसले तो हम ना मैंने प्रधान स्त्री यंग अच्छा सी जदि क्षुदार्थ नाई जदि से दे चोरी कहीं कर तो पचार कि गोपी कह जशोदा आम भी पचार आम पचारू तू का अच्छा लला तू चोरी कहीं कर ता देख एति आम मुखर शब्द पूरा सरनी हे भगवान जशोदे कौन कवि तार जो प्रचंड विश्व रूप मान जो राग क्रोधानित पूरा तिलमिल है से ईशरा दे समस्ते पूरा जी आम घर टाक पूरा उठे समस्ते एकजुट एक स्वर में कहते कृष्ण कान्हा जो कहले अरे मत चोर कहीचु तू चोर तो बापा चोर तोर स्वामी चोर तोर जेजेबापा तो तोर अजा चोर तोर वंश पीढ़ी तोर सब चूर्णी कोड़िकार ब्रजर रही बाप मत चोर कह माने मु खाली शब्द कहल तो चोरी कहीं कर पचारू ये समय से यही प्रकार आमको पूरा आम वंश सारा पूरा छाड़ा चोर आख्या देदे जादृशी जश्य भवना सिद्धि भवती तदृशी तू तो चोर तो वंश चोर से आमको भद्र व्यक्ति मान तो चोर बोली कौच तापर जशोदे आनीस आम पचार अच्छा अच्छा अरे बाबा अरे सरकार जुवराज तुम चोर नहीं तुम बहुत भद्र तुम आम नंदलाला तुम कहीं चोरी कर
आमे सब प्रजा आमे चोरी कर चो। हाँ ऐसी बोलनी चाहिए। अच्छा चोरी तो करू न, ऐसे खाऊल कहीं जहाँ तो न कही चोरी है ना, तुम से खाऊ कहीं न कही चोरी गोटे प्रकार चोरी ना, तुम चोर नुह से कौन कले जान ए ग्वाली। अरे तू कौटी बुझु चोरी कर खाइल मिठास अच्छे स्वाद्य चोरी मिठास अलग चोरी कर खाइले तार मिठा तू के चोरी कर जानव तू जापर ना मिठा आम चोरी स्थ चोरी मिठा अलग प्राय पिला से चोरी बयस छोट बयस समस्त करना निज घरे निजे चोरी कर पैसा भी चोरी करुवा पकेट बापार माल चोरी करुवा पिठापणा हेल्ले माँ कड़े पड़े पिठा टी खाई दूसरा लुचिक टिके खाई कि बहुत आनंद स्वर्ग प्राप्त हो जाता आम मान अनुभव करचे गचर पैड़ चोरी मागिले सब मिलता कि चोरी कले आनंद से बयस से प्रकार ठाकुर जी प्राक्टिकल कर देखते भगवान चोरी कर से आनंद अलग कह तू कौन जान स्वाद्यंश जशोदा कह से गोटे कम कलनी लुचे की रखिलनि लुचे। अरे जश गोपी मैंने कहते आम कौन बकी भाविल ना कौन आम भी लुचेचु किंतु एत बुद्धि तार हे भगवान आम तो बुझी पार्न ताको विधाता एमती बुद्धि केमती देचे आम जो लुकिले तुम्हें जो भितर सब आभूषण रखीदे विभिन्न प्रकार मणि आभूषण अलंकार पिंधे विशेषकर देह तो गोटे ज्योति बाहर जिते अंधकार घर भितर लुचेले से पूरा आलोक देखा जा मटका देखा से जुआड़े जाए पचर आलोक जी जा सूर्य चंद्र जा देह गोटे ज्योति कृष्ण देह ज्योति बाहर ना कहीं ना कृष्ण होंगे परमानंद स्वरूप साकार विग्रह ये सब निर्विशेषवादी मैंने ब्रह्म ब्रह्म चित्कार कर भगवान को विग्रह को मानुना कि ब्रह्म ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म ब्रह्ममसी विभिन्न प्रकार कहते अहं ब्रह्मस्मी विभिन्न प्रकार जो शंकर मत सब कौन सब ये ब्रह्मटा हूँ भगवान शरीर गोटे तेज भगवान को तीन प्रकार लोक कहते ब्रह्मेति परमात्मति भगवान ती शब्दते वदन्ति तत्त्वते वि तत्त्ववेति न तत्त्वतः तत्त्ववेति माने भगवान को तत्व तो विश्लेषण करते किए कौन ब्रह्म किए कौन परमात्मा किए कौन भगवान भगवान मान रूप कि जो मैंने भगवान को रूप को मानुना ज्योतिटा को मानते कौन यही ब्रह्म कि ब्रह्म हूँ भगवान ज्योति शरीर अंग अंग ज्योति कहगला शरीर गोटे ग्लेज बाहर जिन सूर्य गोटे किरण अच्छी सूर्य अच्छा सूर्य मंडल अच्छी सूर्य किरण अच्छी से भगवान अच्छा भगवान मंडल सदृश परमात्मा समस्त देह भितर अच्छा आ ब्रह्म जाक सूर्य किरण सदृश ये ब्रह्म ब्रह्म सूर्य चित्कार करवान ज्योति रूप रही से भगवान विग्रह को मानते भगवान विग्रह को विश्वास साकार रूप को विश्वास करते विशेषवादी मैंने जहाँ को मायावादी कहगला से मैंने भगवान विग्रह को मानते कि आम मानुचे विग्रह अच्छा तेना ठाकुर जी स्वरूप गोटे तेज बाहर ज्योति कहला ब्रह्म गोपी मैंने कहते अरे ता देहर जो तेज बाहर ना से तो अंधकार घर भी आलोक ही अच्छे और तुम्हें जो विभिन्न प्रकार अलंकार परिधान अलंकारित कर गोटे मटका कह तुम भिन्न भिन्न मटका रख लुचेरी कह अरे जशोदा आम से भी करूँ कितु से जंदा पिंपुड़ी फेल मारे आखिर ये आघ्राण कर जानते कौड़ी कौन अच्छी आम विभिन्न प्रकार मटका रख ये तो सुंगी सुंगी आग्रह को जानते कि विद्या जाने से किए जान न ठीक निर्णय करदे कोड़े माखन अच्छे कोड़े दही अच्छे कोड़े कोड़े छेना अच्छे पूरा जान दिए सब कम कल उपर शिकार बांधल जशोद पचंद आम कौन से करूँ भाज पूरा शिकार बांधीचु कि ये घर सारा बुलियो बुलियो देखिए 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 तापर देखिए जे ऊपर को चाहिए उपर सिक्का अच्छे इशरा इशरा दिहाइज तापर एम कौन कर छिद्र कर खाइबे आ जाच जशोदे ये एत टेक्निक छिद्रटा कर पूरा एक्सपर्ट ये गोटे से विद्यार जो टी भी साउंड भी हेनी आ ठीक सीधार जो से पड़ो माखन सब दही पड़ो ये प्रथम आ कर पास लाइन में सब थे ये प्रथम पेट खाइब जड़े पर जड़े गोटे पर गोटे आसे सब हाँ पर हाँ चलो आ तुम सब कौन कर आम देखु कर लीला देखु
ଆଉ ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ କହିଲୁ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋପୀ କହୁ ଯଶ ଦେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ, ଆଉ ଶିକାର ରଖିଲିନି, କାହିଁକି ଶିକାର ରଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ସେ ଟ୍ରଙ୍କ ଯାହା ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଟ୍ରଙ୍କ ଥିବ ପେଡ଼ି ଥିବ ସବୁ ଟାଣିକି ଆଣନ୍ତି, ସିଡ଼ି ନିଶୁଣି ଫିଶୁଣି ଯଦି ନ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ରଖୁନୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଦୋଳ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଆମୁଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ, ତା ଚଳେ ତା ଉପରେ ତା ଉପରେ କରି ଇଏ ପୁରା ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ଚୂଡ଼ା ମରା ହେଇଥିଲା, ଏ ହିରୋ ଇଏ ଲାଲା ସମସ୍ତେ ଉପରେ ଉଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଣ୍ଟ କୋଣା କରି ଖାଇବେ, ଖାଇ ଖାଇ ଖାଇକି ତାପରେ ଜଣେ ଜଣେ ସେ ହାତରେ ଦେଉଥିବେ ସବୁ ଗୁଟି ଖାଉଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜେ ସବୁ ଆମେ ଘରେ ନିଶୁଣି ଥାଉ କି ଆମ ଘରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଉ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ତାଙ୍କ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ବି ସେ ତିଆରି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଜଣେ ଗୋପୀ କହୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କଲା, ଉପରେ ରଖିଲିନି ତଳେ ପୁରା ଗାଢ଼ା କରିଦେଲି, ଖାତ କରିଦେଲି, ସେ ଭିତରେ ମଟକା ରଖିଦେଲି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇଦେଲି, ପିଢ଼ା ପକେଇ ତା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମୁଁ। ଇଏ ଆସିଲେ ଦଳ ଧରିକି ଆସିଲେ, ପୁରା ଘର ସାରା ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲେ ପୁରା ଉତ୍ପଟ, ଯେମିତି ଘରର ମାଲିକ ଯିବେ ସିବିଆଇ ଉପରେ ଆସେ, ଦେଖେ ସିବିଆଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରପୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଡି ସବୁ ଆସୁଛି ଧରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ଖାନ ତଲାସ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଜାଣିଲେ ଇଏ ସେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସ୍ୱରରେ ଆସି କହିଲେ ଏପଟେ ଦୋଳଟି ଏପଟେ ଦୋଳଟି, ମୁଁ ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି, ମୋ କାନ ପରେ ଏତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମୁଁ ପୁରା ଧଡ଼ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଲି, ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ପୁରା ପିଡ଼ା ପଡ଼ି ସେ ଭିତରୁ ନେଇକି ଚମ୍ପଟ ପରା। ଆଉ କିଛି ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତାକୁ ଧରିଲ ନଙ୍ଗା ହାତରେ, କିଛି ଗୋପୀ କହିଲେ ଆରେ ଯଶୋଦା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଥରେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଗୋଟେ ଏକ ମୁହା କୋଠରୀ ଭିତରେ ରଖିଲୁ ମଟକା ହାଣ୍ଡିଟାକୁ, ଇଏ ଖୁସି ଖୁସି ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦଶ ଜଣ ଗୋପୀ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ, ଆଜି ଆକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଧରିବା। ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ, ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ମାଖନ ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ସବୁ ସରିଗଲା, ଖାଇଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମୁଖର ହସ ସେ ତା ଆମର ତା ଚକ୍ଷୁ ସହିତ ଆମ ଚକ୍ଷୁ ମିଶିଗଲା, ତା ଆଖିକି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲୁ, ତା'ର ହସକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ସେ ତ ଖାଏ ମଧ୍ୟ ଏକା ଖାଏନି, ଆମ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରି ବସ୍ତୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛି, ଖାଇକି ଆମକୁ ଚିଲଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛି ଖାଲେ, ଆଉ ତା ଦେଖା ଦେଖି ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମରି ଘର ଛୁଆ, ସେ ଜଣେ ଗୋପୀ କହୁଛି ମୋରି ଲାଲା କୋଳାଙ୍ଗାର ମୋତେ ସେ କହୁଛି ମା ଖା ଖା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପୁରା ଆମର ସବୁ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜଣେ କିଛି ଗୋପୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରେ ଯଶୋଦେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ତାକୁ ରଙ୍ଗା ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ, ଠେଙ୍ଗା ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ସେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଝାଙ୍କି ନା ଯଶୋଦେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ବସେ, ବାସ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଯେ ମାଖନ ଖାଏ, ଏମିତି କର୍ଦ୍ଧନୀ ମାନେ ବେକ ବଙ୍କି ଏମିତି ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଛାଣି ତାର, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍କିମ ଚାହାଣି କରେ, କଟାକ୍ଷପାତ କରେ, ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୁସ୍କାନ କରେ, ଆଉ ତାର ସହିତ ତାର ଲାଲାମାନେ ବି ସଖାମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର, ଏଇ ଦଳକୁ ଦେଖିଲା ବିଶେଷ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଇଥାଏ, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖି ତାର ହସ ଦେଖି ଆମ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଯେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଖାଲି ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏମାନେ ଖାଇ 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 ଆମକୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଧୀରେ 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 ଆସି ଆମେ ହିରୋ ଭଳିଆ ସେମାନେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଅନେଇ ଜଳକ ଭଳିଆ ଅନେଇ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ ଆମେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମ ଆଖିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିତ ଫେରିଲା, ଆରେ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛି ଯଶୋଦେ, ତା ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶିଲେ ଆମେ ସବୁ ହରେଇ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଗୋପୀ କହିଲେ ଆମେ ସେଦିନ ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ତା ଆଖି ଆମେ ଆଉ ତା'ର ମାୟାଜାଲରେ ପଡ଼ିବୁନୁ ମୋହିତ ହେବୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ପୁରା ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆମେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ତାକୁ ଚାହିଁନୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛୁ, ତା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲା ଆମେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆସିଲେ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିବା, ଇଏ କ'ଣ ଇସାରା ଦେଇଦେଲା, ମାଖନ ସବୁ ସରିଲା, ଦହି ଖାଇବା ସରିଲା, ତାପରେ ଛାଞ୍ଚ ଥିଲା ଚଲା, ସେ ମଟକାଟ ବଡ଼ ନେଇଆସିଛନ୍ତି ସବୁଯାକ ପେଟରେ ଚଲା ପ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ଚଲା ଧରିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଭଳିଆ, ପି ଢୁକି ନାହାନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ଇସାରା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଇସାରାରେ ସବୁ କାଫି ସବୁ ଜାଣିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧା ଆସିଲେ ଯେମିତି ପୁରା ପୁରା ଫୋର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାର, ଆସିକି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଫୁତ୍କାର କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେଉଁ ଛେଳ ଥିଲା ଆମ ମୁହଁର ଆଖି ସବୁ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଆଖି ପରିଷ୍କାର କଲା ସେମାନେ ଫେରା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଯଶୋଦେ, ତାଙ୍କ ମା ମା ବି ଆଚ୍ଛା
ठीक अच्छे लाला छुआ मनीष से सब खाई हाँ से तो आमरी मो लाला कौन तुम लाला नुहे अरे रे जशोदा इसी मत बोलने आम लालू अधिक भल पाऊ आम कहीं अभियोग कर प्राण थी कथा आ तुम लाला मान तो सब ब्रजर लाला ना हाँ जदि कि नष्ट कला मुदेवि अरे नष्ट कथा देदे कथा कह जाए सी तो खाइला खाइला शेष में माकड़ दलटा खाली सांग मानते माकड़ दल धरिक आसे मर कान भोक्षण जशोदा कहते माकड़ मान कौन आम हेल्लु गृहस्थ आम ब्रजरे माकड़ मान अच्छा आमर कर्तव्य खाद्य देवा दरकार ना तुम कौटे बाहर करकड़ मैंने आस खाइले खाई खाईदे से ये कहते अरे जशोदे आम जानू माकड़ मान आम ब्रजरे अच्छा अधिकार अच्छी खाइले किसी नष्ट ही ना कि खाई 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 माकड़ मान के खाइबे ये प्रथम सांग मान खुआबे तापर माकड़ को खुआबे जिते माकड़ जी खाई खाई मु फेरे दब आ खाइबनी से ये कौन कैसे भाण भिन्नति सचेत हाँटा को धरवे पूरा आम सम्मेर भांगी दे कौन कह जान अरे भिकारुणी सका स्नान करनी बोधे पाल्टा वस्त्र परिवर्तन करनी बोधे मुह धोनी बोधे माखण तांकड़ हाथ रू खाऊनी मनीष कौन खाए ची 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 अलक्षणी गुड़िका आम ब्रजरे रही प्रकार कहे अरे जशोदे माकड़ के खाब खाइक मुँहटा फेरेदेला तार पेट पूरी हो कितु ये आमको आम सब आम सब तो लुटपाट कर सब खाइब खाइक शेष आमको उल्लाहना दिए जशोदे मा कहला से गोटे कम कलनी तुम सब लुचे दलनी सब बिक्री करदेलनी अरे जशोदे से भूल भी आम कर सब बिक्री कर खाली खाली हाँ रखीचु शेष ये कौन कल जो द्रव्य लाभ स कुपीत जाति पक्रोस द्रव्य लाभ जो देख ली से द्रव्य किसी ना सब खाली हाँ तापर देखियो जशोदे मानकर स्वरूप से समस्त इशारा कले सब आसीगले सब मझी घर रही सब दूल दूल कर गुड़ कचाड़े खाली आम तो पूरा बरड़ा पत्र थरल कौन हाँपाई जाऊँगी गुड़ कचाड़ी कचाड़ी कहले छी 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 आ घर गोटे जंदा पिंपुड़ी भी नाती इमती ब्रजरे नंद आम ब्रजरे इमती भिकारुणी कई नए टिके भी जंदा पिंपुड़ी भी टी रखी ना माखण टे टे छी इमती भिकारुणी कई ना आ घर रोया कथा ना बोली से कौन कर सब परिश्रा कर मूत्र त्याग कर पलाते जमी घर मालिक से जशोदे सत्य कह गले घर मालिक भाया सी हुए द्रव्य आमर आम या सब आमर कि घर को एंट्री करे ना आसवाठ जावा भितर घर टा खाली उठे पड़े लमा खाली उत्पटा पूरा मालिक तार जो कथा तार जो शैली कौन भाव भिड़ी जशोदा जानते जानते ना जशोदा सी भी शुणी खुश हो गले सी ए तो जाते ना गोपी मैंने माँ को आनंद देवाई जाते कहीं बांट के खाना वैकुंठ जाना जो कह भगवत कथा को वितरण कराए भगवान कथा निजे जानवे अगर को कहे एथे बहुत आनंद तुष्यंती चर मंती च कथयंत मांग नित्य कहगला भक्त मैंने जो मिशंती भगवान कथा को मंथन कराए जमी सगर को मंथन समुद्र को मंथन कल को विष बाहर प्रथम तापर अमृत बाहर जो अमृत को पान कर मृत्यु किंतु भागवत को मंथन कले जो अमृत आसवत कथा अमृत जो कहगला एष ना आ अमृत को जी पान कर तार मृत्यु हुए तेणु स्वर्गर अमृत मध्य कथामृत पाखे फिका पड़ जाए स्वर्गर अमृत भी कथामृत पाखे गोटे स्वर्गर अमृत जो काच कहगला भगवान कथामृत को मणि कहगला तेणु यशोदा कह तेणु यही अमृत को जी पान कै से मंथन कर मंथन एक प्रकार हुए भक्त भगवान चरित्र मंथन के आनंद मिलू आनंद है आत्मार खाद्य ये आनंद मार्केट जगत रे परिवार कौटे ना कौटे ना जगत रे जिते ऐश्वर्य थो ना कहीं जिते वैभव थो ना कहीं आनंद कौटे ना ये सब एकत्रित आम जशोदा माँ खुशी प्रसन्न हो गले कहले
कला अच्छा सुनो, तुम जदि मु तो मानिगली लाला बोधे निहाज किसी भूल भाट करुच भूल भाट का किंतु मु प्रतिश्रुति दौचे आपको मु आकट करी कि मुझे से विश्वास करी जदि ताको तुम रंग हाथ धरिक आसो जदि चोरी करते अवसर धरिक आसो ताहले मु जो स्वामी कम न दिशे भी देखिया चाहूँ लीला किम देवा पाई जाऊँ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବତୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋପୀ, ସେ ରାଗିଗଲା, କହିଲେ ଯଶୋଦରେ ତୁମର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାନି? ତମେ ଧନୀ ଲୋକ ଯାହା ସବୁ ଏମିତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବନି, ଆମେ ପ୍ରଜା ତୁମେ ରାଜା ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାବତୀ, ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଦେବି। ଠାକୁରଜୀ ଥିଲେ, ସେ ଆଖି ମାରିଲେ, ତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇବୁ ନା, ପ୍ରଭାବ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। କହିଲେ ଚାଲ ଯଶୋଦରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେ, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବତୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବ ବ୍ରଜା, ଆଜି ରଙ୍ଗ ହାତରେ ଦେଖିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତାପରେ ସେ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଦିନ ଟପିକ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବତୀର ଘରେ ଡାକା ରହିଲେ, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ଆମେ ଖାଲି ତାରି ଘରେ ଆଜି ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଖବର, ଠାକୁରଜୀ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀର ଘରର ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଆସିକି କହିଦିଅନ୍ତି ତା ମା କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ମାଆକୁ କେତେ ନମ୍ବର କୋଠରରେ କେତେ ନମ୍ବର ଶିକାରରେ ମାକନ ଅଛି ତୋଇ ଅଛି ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ବାୟୋଡାଟା ମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାବତୀର ଛୁଆ ବି ଥିଲା ପିଲାଟା, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ମାୟା ମାଖନ ରଖିଛି ନା? ଦେଖିଲେ ହଁ, କାଲି ତ ମାଖନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ମଥୁରା ଯାଇ ନା? ମଥୁରା ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ଚାଲ ଆଜି ସେଇଠି ଏକା ଢାଳିବା, ସେଇଠି ମାନେ ଇଏ ଏମିତି ଚୋର ନୋଟିସ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୋରାଗିରି ଗଙ୍ଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ନମାମି ପରା। ପ୍ରଭାବତୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡି ପ୍ରଭାବତୀ ମାନେ ବ୍ରଜର ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡି ଗୋପୀ, ସିଏ ତା ପ୍ରଭାବ ସେମିତି ମୁଖ ଖୋରୁ ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ଗଲେ, ମାଖନ ସବୁ ଖାଇଲେ, ସିଏ ଆସି ଧରିଦେଲା, ଧରିଦେଲା ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ, ପୁରା କଷି ଧରିଛି ହାତର। ଚାଲ ଠାକୁରଜୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ଧରା ପଡ଼ିଲା କାନିଆ ନା? ଇଏ ପ୍ରଭାବତୀ କ'ଣ କରୁଛି, ବ୍ରଜର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ସେ ଉଠୁଣି ସବୁ ଉଠୁଣି ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଭକ୍ତି, କାହିଁକିନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଲୀଳା ତ ଉଠୁନା ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଛି, ହାତରା ଧରୁଛି। ଠାକୁରଜୀ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭାବତୀର ପୁଅଟାକୁ ଡାକିଲେ, ତା ପୁଅଟାକୁ, ତା ନିଜର ପୁଅଟାକୁ, ଏଇ ତୁମେ ପାସ୍ ପାସ୍ ଯା, ପାଖରେ ଚାଲ, ପାଖରେ ଚାଲ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲେ, ଏ ପ୍ରଭାବତୀ ଏ କ୍ୟା ହୁଆ, ଆରେ ଦେଖ ମାଖନ ଖା ଖା କର ମେରି ଶରୀର କିତନା ମୁଲାୟମ ହେ, ତୁଝେ ପତା ହେ ନା ରାଜକୁମାର ହୁଁ ମୁଁ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ ମାଲୁମ ହେତେ, ମୋତେ ଜଣ ତୁ ରାଜକୁମାର। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତୁ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ମାଖନ ତିଆରି କରିକି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିକି ତୋ ହାତର ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଏସବୁ ପଥର ସଦୃଶ ବଜ୍ର ସୃଷ୍ଟ ହସ୍ତରେ ମୋର କୋମଳ ହାତକୁ ଧରିଛୁ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉନି ନା? ପୁରା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଇଏ କଲେ ତ ଚାଲାଇକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଛାଡ଼ିଲେ ଫେରାର ହେଇଯିବି ଏଠୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼େ ବୋଲି କହୁନି, ମୋତେ ଏଇ ହାତରେ ଧରେ, ସେଟା ପେନ୍ ହେଲେ ଏଇଠି ଧରୁ। ହଁ ଠିକ୍, ସେ ହାତରେ ଦେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ତା ପୁଅର ହାତରେ ଧରିଦେ, ଇଏ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇଏ ପଳେଇଲେ ଘରକୁ, ପଳେଇଲେ ପଛପଟେ, ଘରେ ଯାଇକି ଆରାମରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଁ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନା? ପ୍ରଭାବତୀ କହିଲେ, ଯଶୋଦେ ଯଶୋଦେ, ଗୋପୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକି କୁଷ୍ଠ ପଳେଇଲେ ନା, ତାପରେ ଯାହା ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ କାନିଆ ପଳେଇଲେନି। ଯଶୋଦେ ଚିତ୍କାର ଡାକି ଯଶୋଦା ମା ଦେଖିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି ବୋଧେ, ଏତେ ଜୋରରେ ଡାକୁଛି କ'ଣ, ଯଶୋଦେ ଏଇ ଦେଖ, ରଙ୍ଗା ହାତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ନା, ଦେଖ କିସ୍କୁ ମେ ପକାଡ଼ କଲା। ଯଶୋଦା ହସିବେ ନା କାନ୍ଦି, ସେ ଉଢ଼ୁନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ। ଇଏ କହିଲେ, ଆରେ ପ୍ରଭାବତୀ ପହିଲେ ତ ଦେଖ ତେ ସହି, ଦେଖ କିଏ କିସ୍କୁ ଲେ ଆଏ ତୁ ନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଢ଼ୁଣା ଟେକି ଖୋଲିଲେ ତା ପୁଡ଼ା ପକାଇଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟକା ପୋଲାଙ୍ଗ, ଆରେ ତୁ କାଁ ସେ ବିଚ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ନାଲାଇକ ତୁ ବିଚ୍ ପାଇଁ କାଁ ସେ ସିଏ ସେ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ଯେଲେ ପ୍ରଭାବତୀ କାହିଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ଏତେ ଓହ୍ଲାନା ଦେଉଛୁ? ଏବେ ତ ସେ ପଚାରିଲେ, କାହ୍ନା କାହ୍ନା, ସେ ହାତ ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଏବେ ଶୋଇ କରୁଛନ୍ତି,
क्या मैं आज नींद भी नहीं आ रही तेरे ते, सारा रात ने ए बटिया सोई थी ले नींद वेला नहीं देख मेरी कन्या कितना प्रभात को जुब्बा गोपी मान थी ले कैसी भोली भाला वा भोला भाला साधु ये पूरा जसदा कल देख लाला चोरी मत करना हाँ माया अच्छा ये तो बोता तुम्हें मुझे क्या लग रहा पता है मुझे देखने से तुमको चोरी चोरी की चोर की तरह पता लग रहा नहीं नहीं तू क्यों चोरी मना कर तू चोरी करू ना किंतु चोरी करू ना ठीक है इसे कहला पर कहते देख प्रभावती जाओ तुम्हें तो धरी पार्लि निज लाडू ने पोनार मिछरे कौच ईश्वर ठाकुर जी कहते पछपटे माँ को न देखा भाया एमती देखा तो प्रभाव देखिए आज थ जिते प्रभावती दुख की जाऊँ प्रथम थर पर से फेल है ना जिते जा ठाकुर जी माँ माई आम जा रहा अभी माँ छाड़े माँ का पछपटे बुलिक आसिले रास्त अटकी पूरा जी अटका जाए पूरा आपको टीम सहित अटकी प्रभावती जाऊँ कहले ए प्रभावती शोन हिरो अगर भविष्य में ऐसी नटखट की दोबारा तो आज तो तेरी लाला को पकड़ तो यदि इस प्रकार भविष्य कि स्वामी की तो हाथ धरीदेवी आज तो पुआटा को धरली जदि इस प्रकार मो नार अभिजोग करू मो माँ पाखे सत्य कथा ये सत्य 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 त्रिवार सत्य तो स्वामी की तो हाथ धरीदेवी सी आ कि कहल चुप ही पड़ेगा कहीं जान यहाँ सहित लगिले सब मान मर्यादा सब नष्ट किसी रही कृष्ण ए प्रकार ये कही किए कृष्ण प्रेम ए प्रकार चंडीदास कहे कानारे प्रीति जाति कूल शिले छड़ा चंडीदास जन गीत अच्छा कानारे प्रीति जाति कूल शिले छड़ा घरे गुरुजन बोले को बचन ना जा बोलो केरो पारा घरे गुरुजन बोले को बचन ना जा बोलो केरो पारा चंडीदास कयो कानर प्रीति चंडीदास नी चंडीदास कयो कानर प्रीति चंडीदास कयो जाति कुल सिल छाड़ा जाति कुल सिल छाड़ा सही ना को सब चंडीदास गोटे गीत लिखिंट जी रसिक सत चंडीदास गोपी मान को कथा हो गोपी मान को सी समय आकट कराला घरे गुरुजन मैंने कहते ना जाब लोक पड़ा तार तो से कानिया पाक जीवन से नंदलाल पाक बड़ा नटकटी उत्तर से सब जीव ता घर आड़े जीवन ताक चाहबुन कि चंडीदास कहते कान प्रीति प्रकार जिते गुरुजन मना कले कौन हम जाति कूल शील छड़ा कृष्ण कथा कृष्ण को दर्शन करिया करने कौन अभिमान किसी जाति कूलशील किसी लज्जा किसी रुए से छड़ा ही प्रीति प्रकार के समय करिया दसटा शेष दिन आउ लीला करता
ये प्रकार से ठाकुर जी लगे माखनचेरी लोला चोरा गिरगर परिश्रम नम कई आम सत्यव्रत मुनि गीत भी गाई ठाकुर जी लीला कम पूज्यपाद विष्णुमाज कहते गोटे बढ़िया सुंदर कथा कहते कहते माखनचेरी लोलार उद्देश्य कौन ये चोरी कहीं करते जानचो ना ना कौन जगत रेम किए चोर अच्छे धरती गोटे चोर घर को आसला घर को आसी कौन कर घर वाला घर लोक सब शोथे से घर को आसो बासन फासन टे मजिदेव घर सब झाड़ू करदेव ओलीदेव कपड़ा पत्र टे सफा करदेव पूरा घर को चिकित्सा कर घर कि नष्ट करबनी यकार प्रथम दिन है घर लोक उठी पड़े देख ले किए गोटे आस ये सब कम करदे द्वितीय दिन से बाड़ डे आसला चोर ये सब करके जाए द्वितीय दिन देखले तृतीय दिन से गृहस्थ कौन कर द्वार टा खुल रखीदा कहीं घर कम ही ना जड़े आसूसी घर सफा ही बासन मजा हो लुगा सफा हो पानी पानी भर्ती कर दूसरी पूरा पलाऊँ किसी नौना किसी क्षति करना तेणु गृहस्थ कौन करे घर द्वार खुल दिए से प्रकार कृष्ण चोरी लीला ये करती कौन ये करती हृदय को चोरी करती मन को चोरी हृदय भर जिते मैला अच्छी जिते दोष अच्छी अनर्थ अच्छी अपशकुन अच्छी जिते धूलि अच्छी सब चोरी कर दें ठाकुर जी हरिशब्द हरिशब्द विविध अर्थ ताहे मुख्य द्वित हरिशब्द अनेक अर्थ मुख्य दीटा हूँ मुख्य सर्व अमंगल हरे प्रेम दे हरे मन गोटे अर्थ है सब अमंगल हरण करिए प्रेम दे कि मन को हरण करिए प्रथम जगतर चोर चोरी कला दुख दिए कि प्रकार चोर प्रथम प्रेम देवे चोरी कर तेनाली चोर को स्वागत करवा कथा प्रेम दिया हरे रे मन को आगला प्रेम देवे प्रथम ये एमती चोर प्रथम आनंद देवे तापर चोरी करेंगे जगतर चोर चोरी करदे दुख देवे तेणु ये मन को चोरी करती हृदय को चोरी करती नवाम्बुदेश अमल कांति चौरं श्री राधा से हृदय चोर राधाणी हृदय को चोरी कर नवाम्बुद्र नुआ मेघर कांति की चोरी कर जी चरणाशित तर जी की सब किसी चोरी कर प्रकार चोरा गिर पुरुष नवमी को आगला तापर ठाकुर जी कौन कर ब्रह्मांड घाट लीला ब्रह्मांड घाट से लीला कर माटी तो खाइवा लीला जहाँ कहगला सब लाला मैंने अच्छा सखा मैंने अच्छा सब सी खेलु जमुना कूल ये मट्टी खाई किसी लाला देखीदे से दौड़ी दौड़ी आसे मया मया ये कन्या माटी खा माटी खाईदेला माटी खाई जशोदा माँ कहे माटी खाई साधारण तो पिला माटी खाते ना ये भी खाई जशोदा माँ देखले माटी खाई तो रोग हो माटी तो खाया कथा ना तेणु से रागी क्रोधानी तो बाड़ी धरिक आस जावापूर्व कही देख माँ को कहीदे ये कह जाऊन का जाऊ कह से कौन अच्छे बोल दो माया को जिते जशोदा माँ आसिले सब सखा मान खुशी होगा आज कन्हैया को तो मध्यम हम आज पड़ो माड़ सीधा आसिले कन्हैया धरले हाथ रखो तेने मटी खाई हाँ ये कहले नाई कर बारंबार पचारस्त बोल ये कहले ना हम भकितान भकितावान अम्ब हे अम्बे हे माते मु खाई तुम जब खाई न एम कौन मिछ कौन हाँ सर्वे मिथ्या भी संसी न समस्त मिथ कौन सब मिछ कौन हाँ दाऊ दादा मार सहित पक्का मिछ माँ सुपर मिछ से भाया मिछ कहीं ना से दिन पाखे से ना मो सामने से किसी कहते से दिन जा दाऊ दादा मोर बलदेव जी कहले माँ ता कथा विश्वास कर पक्का मिछ केमती मिछ तुम जाच ये सांग मान सी कौन कौन मंत्रणा दी जानच ना ना कौन कह कृष्ण आम पिल पोन आम घर किणी की बापा माँ आमती मो गोरा मो बापा गोरा मो माँ गोरा नंद बाबा गोरा जशोदा माँ गोरा ये गोटे काला कौशुटी घर को आसीगला तेणु मु प्रकृत ओरिजिनल पु आम बाबा माँ ये किणी आनी सब कौच माँ से सांग मान को ता कथा विश्वास करमें जशोदा माँ हसी ना कहते
बोले सही तो बड़ा विश्वास है, सर्वे मिथ्या विशंसी न। ये कहले अच्छा गोटे काम कर, तो पार्टी खोल तो आ कर। ठाकुर जी भाविले मो आ करी कि नहीं। इस समय आखिरा बंद है ठाकुर जी के। टीकाकर कहते ठाकुर जी दी आखि हूँ सूर्य और चंद्र। ये चंद्र सूर्य देखिले हे भगवान ठाकुर जी सत कथा कहीदेवे कहीदे सत जी कहीदे असुविधा तेणी मैंने जाने आखि बंद करदे भयर आखि बंद कर टीकाकर वर्णना कर चक्षुटा बंद कर ले सूर्य चंद्र रूप न चक्षु स्वाभाविक बंद हो। ठाकुर जी चिंता कले पूर्व गोटे लीला अच्छी जशोदमा थे दुग्धपान करुले दुग्धपान करने समय अनेक समय बीत दुग्धपान कर दुग्धपान कर लीला ये प्रकार ठाकुर जी बेले दुग्धपान करती कि समय पयधर स्तन मुहटा को बाहर कर दिखती माँ को कोल था तापर माँ को मुह को पूरा चाहती पूरा छुआ मान पान माँ सहित बाछलीला ही थाए माँ कौन कर जस्ता माँ तर से जो चंद्रवर्दन मुख कमल को दर्शन करती से बहुत आनंदित आह्लादित हूँ बेले बेले ठाकुर जी कौन माँ को आखि मारी दिखती कोल थे माँ चाहे माँ गोटे आखिरी बंद करदे जस्ता माँ बहुत खुशी लगे बेले बेले फिकना हसी भी दिखती विभिन्न प्रकार मुख मुखभंगी करती य प्रकार लाल से अद्भुत से भंगी अंगी अंग भंगी सब देखी जस्तमा खुशी होते थे दुग्धपान करोल धरती ठाकुर जी कौन कले हाई हाई कले हाँ जम भाई कहगला तो हाई करोस्तमा देखले तो पार्टी भितर पूरा सचराचर जगत पूरा ब्रह्मांड पूरा पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व सब देखा ये बारंबार हाय कर पार्टी देख जशोदमा पूरा आखि बंद करदे बात्सल्य भाव तर एत प्रगाढ़गला पोल धरना पूरा जबुड़ी धरले भगवान को जोग शक्ति विस्मृति होगा सर भूलीगले सी विषय भूली ना से जोगमा से सब विस्मृत करदे बात्सल्य रस प्रकाश प्रकाशित होती कृष्ण जानती से तेणु बर्तमान भावे माँ तो मत कौन पार्टीटा खोल बोली मुझे जी आ करी तर पूर्व कथा मन थी कहीं थे मुझे आ कर पार्टी सब देखी तेणु से केवे कहे मत पार्टी खोल बोली ये निजे तरफ कही कथा श्लोक रोचे जदि आप सत्य कथा सत आसुनी ताहले सत्यम गिरही पश्यम मुखम में पश्यम हेमा आप सत्य मानुना मो मुख को देख बोली कहते निज तरफ ये लाइन क्लीयर कले कौन कहले कौन पाई कहले जानते जशोदमा पूर्व मो पार्टी भेजे ब्रह्मांड देखी भयभीत होते तेणु से कथा मन थी से मत भूल कह पार्टी आ कर तेणु कहते हे माते जदि आप विश्वास करना तो मुझे सतकथा कहि आ कर जो पार्टीटा देख जशोदमा कह कहीं कर तो कर कर आ कर खोल खोल ये भाभी कि उल्टा होगा सब ठाकुर जी भाभी माँ बोध मत आ करना कहे किंतु जशोदमा कहले पार्टी खोल आ कर देखागला सारा ब्रह्मांड देखागला पूरा चराचर जगत पूरा आंतरिक प्रपंच महाभूत अग्नि आकाश जल वायु पृथ्वी से ब्रह्मांड घाटी देखा ब्रह्मांड घाटी जशोदा भी अच्छा कृष्ण भी अच्छा जशोदा कहते आ कर कौन बाड़ी धरती से कृष्ण पार्टी भितर आउ गोटे कृष्ण देखुं सी भी आ कर पार्टी भितर आउ थे ब्रह्मांड देखा यही प्रकार से केते भितर भितर केते कृष्ण केते जशोदा केते ब्रह्मांड देखा गला ये तो देखी ताजु है जशोदा माया हे भगवान ताप राखी बंद कर दले चिंता को तांको बर्तन बुद्धि तर्जमा गला जशोदांकर प्रकृति मोर आखिर भ्रम चक्षुर भ्रम ना कौन आखि मंथन कर देखुं ना चक्षु तो ठीक अच्छे मो चक्षु तो किसी दोष ना तापर हेल्ले कौन सी भूत प्रेत मो लाला सवार होती कि ये कहे ये गोटे भूत प्रेत कहीं मो लाला कार दोष कौन कला भूत प्रेत हेनी माँ को गोमूत्र स्नान करुच्चे गो गोपोछरा को झाड़ू करुच्चे गो गो मयूरा को तिलक करे तो भूत प्रेत आसवनी अच्छा को देवता मैंने करार अनिष्ट कर देवता ने कहीं कर मो लालार जन्म सर के सब छत बस आस देवता मान कि तेल कौन असुविधा है मन मन भावुंट
बोधे मोर मानसिक विभ्रांति बोधे विभ्रम हो बोधे यही प्रकार भाविंट भगवान लीला शक्ति कौन कले माँ को मन को भूलदेले माधुर्य शक्ति बाछल शक्ति प्रकाशित से लाला को जबड़ी धरी ये देखाला कृष्ण ऐश्वर्य यहाँ कृष्ण ऐश्वर्य देखते किंतु जशोदा माँ माधुर्य सिंधु भितर कृष्ण ऐश्वर्य बिंदु भाला विलीन हो गला यही हूँ ब्रजर लीला ब्रजरे ठाकुर जी ऐश्वर्य बहुत देखते जमी गोपी मान चतुर्भुज देखे पूरा से खाली प्रणाम कर पलैले कम कलानी गोपी मान पाखे बर प्रणाम कले नारायण जी बताओ हमारी श्याम सुंदर कहाँ पे गए किस रास्ता पर गए तेणु जशोदा माँ जो माधुर्यर सरोवर से कृष्ण ऐश्वर्य गोटे बिंदु भाया विलीन हो गला ऐश्वर्य किसी कम कलानी ये तो ब्रजवासी मान के पाठ पढ़े मत से कृष्ण भगवान मानते अच्छा से मटी खाइले कहीं से देखिले ठाकुर जी गोटे इच्छा हो सब से ब्रज रज को बस भल पाती ब्रजरे ब्रजरे कह रज अच्छे कि गोपी मान गोपी मान भक्त मान तेणु ठाकुर जी गोटे स्वभाव हो अनुब्रजामी अहं तं पुए त्यंग्र रेणु भी सब भगवान गोटे भक्त पक्ष दौड़ था सब अनुब्रजामी अहं तं भगवान निजे कहते हे उद्धव मुझे सब गोटे भक्त पक्ष धाऊ थाए कौन पाए ना पुए यो मान त्यंग रेणु भी ये भक्त मान चरण रजार निजुक अभिषिक्त कर मुझक पवित्र करने चाहिए श्लोक अर्थ यहाँ ये भगवान कौन करते सब भक्त पक्ष दौड़ती भक्त पक्ष दौड़ती भक्त जो मैंने निष्किंचन महात्मा जो मैंने भजन जो मैंने करणागत जो भक्त मैंने अनन्य भाव जो शरणागत निष्कपट भाव शरणागत की अच्छा से प्रकार महानुभव पछे पछे सब भगवान धावित होती कहीं से भक्तर चरण रेजु निजी अभिषिक्त करने जीवश्य पट्टिकार आम कहते आर कारण कौन भगवान पचर कहीं जाती ना भगवान पेट भितर ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड दल ना गर्भ भितर ब्रह्मांड अच्छे के ब्रह्मांड सब अच्छे तेणु ब्रह्मांडर जिते सब जीव मान रोच सब तेणु भगवान गर्भ भितर जिते करोड़ करोड़ ब्रह्मांड अच्छा से ब्रह्मांड अंतस्थ जे सब जीव मान अच्छा ये समस्त जीव मान पवित्र कल्याण करने समस्त उद्धार करने समस्त पवित्र करने ठाकुर जी कौन करती भक्त रजरा को निजे ग्रहण करती निजे अभिषिक्त करती ता तो भगवान गर्भ भितर थी जीव मान कल्याण करने भगवान कौन करते सब भक्त रज भक्त पशु धावित होती आज भी जो रज जो पान कले अर्थ ठाकुर जी कौन मैया मुझे एका खाए हे माँ तुम कह एका खाए अरे मुझे एका खाए सारा ब्रह्मांड सब जीव खाई मो पेट भितर सब अच्छा ना मो गर्भ भितर सब ब्रह्मांड सब जीव अच्छा तेणु मुझे खाइली मान सब से खाई एथपाई जो गोटे मुठा से खुद भजा खाई द्वितीय मुठा खाइले से रुकुणी हाथ धरदे कहले प्रभु सारा ब्रह्मांड पेट पूरीगला बास आ खातनी आपत थे खाई मान सारा ब्रह्मांड पेट पूरीगला जस्मिन तुष्टि जगत तुष्टि जहाँ को प्रसन्न कले जगत प्रसन्न होती बुद्धिमान कहला भगवान को संतुष्टि करवा दरकार भगवान जदि खुश खुश अच्छा जगत खुश कि जो मैंने बुझी पार ना रहस्य को से बुद्धि परिपक्व कहानी से शरणागत भक्त मैंने ठाकुर जी को प्रसन्न मूल देखती आम प्राइम ड्यूटी होती मूल कर्तव्य होती ठाकुर जी सेवा करिया कीर्तन करिया भजन करिया तापर आम जिते सब अन्य कार्य करिया दरकार इतना प्रातः मुहूर्त गात्रोत्थान कले भगवान को स्मरण करवा दरकार देवनीति पूजा अर्चना कलापर निजर गृह कार्य निजर कृतकर्म जहाँ किसी करवा दरकार विधान यहाँ ये हम वैदिक रीति ये तो मठ मंदिर तैयारी होती तो गुरु भगवान को सेवा करा मंगलारती करा जप करा जप करा समस्त मंगलारती दर्शन करा कथा जप करा कथा सी कहीं कर्म कर्म जगत कर्म रजगुण सूर्य उदय रजगुण तो आरंभ हो किचरी मिचरी पे पा गाड़ी घोड़ा पक्षी पशु सब
చల్లా డ్యూటీ ప్రకారం పురా సూర్యాస్త పడుతుంది రైట్ నైట్ పడుచంత కేతన్ నైట్ డ్యూటీ కూర్చుంది ఆజికల్లి తను ప్రాత ముహూర్తరు గాత్రోత్థాన కరియో ఠాకుర్జీ పక్క ఆసి మంగళారతి దర్శన కరియో బసి టే జప కరియో ఆత్మ కళ్యాణ హబ సేతరే ఇంధన గాడీ జెండి ఇంధన అచ్చి గాడీ పెట్రోల్ పుల్ గాడీ చలే ఏ ప్రకార జోన సకాల ఉఠికి భగవాన్ ఆర్తి దర్శన కరి భగవాన్ జప కరుచింది హరే కృష్ణ మహామంత్ర సేమానకర ఇంధన సేటా తా జీవన రథ పై జీవన గాడీ పై सेमाने जानी सकाळ प्रातमुत्रे गात्रोत्थान करी मंगलारती परे भगवान को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सोळ माला जी सामर्थ्य जप जी कर से जप करा द्वारा एति शक्ति मिले ता मन को ता बुद्धि की ता प्राण को ता इंद्रिय को एक प्रकार शक्ति मिले से अनुभव ही अनुभव करपर जो कार्य सतचेषा कर सफलता लाभ होनी से कार्य अनायास साधित हो जाए खाली भगवान उपर भरोसा कर नाम को आश्रय कले करिया दरकार भगवान का नाम करिया दरकार हरि नाम पूर्व राम कहले ना वकिल लोक तो वकिल इतिहास कहीदे कहे सी आम प्रभुपाद भी कही भक्त प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज वैष्णव जी हम वकिल जाने शिक्षा दरकार वकिल कौन पे हम जुक्ति कर जुक्ति सिद्धांत स्थापना करिया दरकार आमर सिद्धांत जो रही कट्टरपंथी सिद्धांत आपको परास्त करिया दरकार आपको अकिलती कहगला तेनालीर सिद्धांत अच्छे हरिनाम जो भाव करिया दरकार भले आम पर जिते दुर्गुण था जिते दुर्बुद्धि था सी तो कहीदी पड़े ना ये नाम किसी मूल्य ना मूल्य अच्छे मूल्य अच्छे कहीं बद्ध जीव केवे पवित्र सहज रही पारे तेणु नाम कले ही पवित्र हम आधार यहाँ बोले आम पर जिते दुर्बुद्धि था जहाँ आम दोष अच्छी स्वभावगत रूपगत दोष रही था कि चेष्टा करवा से नृत्त हाँपाई नाम करवा दरकार मूल कर उधार हाँ कमी चढ़ा तो दरकार ना कि पथर तेणु कलीजुग लोक मैं केवल हरिनाम ही कराला किसी आस्था ना नाम आश्रय कर जतने तुम्हें थको आपन का जे नाम को आश्रय कर प्रभु तुम्हें जत्न सहित मत रखे अपराध न हो आय चरण से तेणु ईश्वर सतर्कता सहित आम भगवान नाम जप करा दरकार ये कली युग में जो उधार पर एकमात्र रास्ता होगी केवल हरिनाम आ हरिकथा सत्संग हरिकथा शुण हरिनाम को आश्रय कर विशेष कर सारा विश्व आज भी प्रभावित हो प्रभुपाद कृपा मंगलारती पर बस जप कर पावर अलग आगे जे कर बुझे करिया दरकार कर देखते कौन हो गीता सारे कही ना थे कर देख मु कौन न कर हरिनाम करिया दरकार किंतु हरिनाम जो करेंगे कथ कथ नहीं करिया दरकार आजिकल जो बसिकी जो हरिनाम धरती मोबाइल गुड कथा होते ठीक ना ये सब नाम पढ़ाई का सब अपराध है केते पेपर टा पढ़ते हरिनाम करते कहते हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम मैंने मेसीन गन भाया चलना मेसीन गन चांटिंग कहते कौन करते महामंत्र करते हरे कृष्ण कृष्ण करते तले किसी पड़ी गले से माला सहित उठे तार कारण कौन जानते ना हरिनाम प्रति विश्वास ना आम श्रद्धा ना वास्तव में वास्तव श्रद्धा ना गोटे टा गोटे सुना मुंडी पड़ थो कि उठे सतर्क देखिए पूरा हरिनाम से प्रकार सब दुर्लभ वस्तु ये विश्वास द्वारा से कर विश्वास करा दरकार सब दुर्लभ वस्तु हरिनाम के अच्छा माला पूरा कषि बांधि थे माला करते हरे कृष्ण हरे करते गाड़ी करते आंगुड़ी देखते पूरा किए जरा सब करा कथा ना से मना कले करा कथा ना ठीक कथा से सब सतर्क दरकार बर अल्प माला हो पचे बस करेंगे जदि पेन होड़ा ही बुल करेंगे कितु कथा होती नियम कर जीवन में देखिए बहुत कल्याण हो पक्का आम आप दक्षिणा किसी मगुनु यही भाग सत्तार शेष यही मगुच आम समस्ते आसतु मंगलारती पर जप हो सतोषपुद अच्छा सब पीड़ा आसते ये बस जप कर देखिए कथा होनी जी से अध घंटे हो कि 15 मिनट हो कि बस समस्ते जप करिए माला धरिए सत्य अलग जन दीक्षित होता हो कि दीक्षित नई तो से जाए से ना
ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେଥିରେକି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସି ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଥିରେକି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ପକ୍କା ସିଏ ଦେବେ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, କେହି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନାମ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକ ଆସିବ, ସତ ବିବେକ ଆସିବ। ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରେ କଳିଯୁଗ ନାମ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, କଳିଯୁଗରେ ନାମ ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାମର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣି ଶ୍ରୀହରି, ଜୟ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ନାମ, ଜୟ ନାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ନିଷ୍ଠା କରି। କଳିଯୁଗରେ ନାମର ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁରଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବିବେନି, କୃଷ୍ଣ ରାହାତେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ କଳେବର ଇଏ। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଇଏ ଜଗତରେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଭଜନଟା ସାଥିରେ ଯିବ ଆମର ସାଧନଟା, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ବିଶେଷ କରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗରେ ଏହି ହରିନାମ। ଆମେ ସଦୃଶ, ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦଭାଗ୍ୟ, ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ, ହୃଦୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବାସନା, ଦୁର୍ଭାବନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅନ୍ୟ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା କରିବାର କୌଣସି ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନ ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା କରିପାରିବାନି, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ବି କରିପାରିବାନି, ସେସବୁ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୂରାବସ୍ଥାକୁ ଅବଲୋକନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ମର୍ମଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସକ ସଦୃଶ ରୋଗୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ନିଦାନ କରି ଔଷଧ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତଦନୁରୂପ ଆମ ଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଳିରେ ଗ୍ରସିତ ତ୍ରିତାପଦଗ୍ଧିଭୂତ ଏ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ଶିଖିଲେ ଖାଲି ହରିନାମ କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ରାମ, ଆଗକୁ ବସି ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ମିଳିମିଶି ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। କାଲିକି ଆମର ଗୁରୁ ମହାଜନ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାଙ୍କର ଉପଲକ୍ଷେ ପାବନ ତିଥି ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ତୋଷ କାଲିର ଡ୍ୟୁଟିନ କଥା କହିବେ, ସେଡ୍ୟୁଲ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିବେ, ସେଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେଣୁ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ କରନ୍ତୁ, ହରିନାମ କରନ୍ତୁ, କରିବା ଦରକାର। ବରଂ ହରିନାମ ପରାପରେ ତାପରେ ଆସିଥିବେ, ହଠାତ୍ ଗୁରୁ ଆସିଥିବାର ସେ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ହରିନାମ କରୁ କରୁ ଦେଖିବେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ସେ ସେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଶ ସ୍ତର ପାପ ପ୍ରଣାଶନ ଯ କହିଲେ, ଶ୍ଳୋକ ଉଠାଇଲେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ କଥା ନହିକି କରିବେ, ବସିକି କରିବେ, ବିଗ୍ରହକୁ ଚାହିଁବେ। ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଆଲେଖ ରଖିବେ, ଘରେ ଫଟୋ ରଖିବେ, ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ।